जी मतलब अगर जिसमें आप फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, या जिसका आप लेवल जानना चाहते हैं, वो आप एक एक करके मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का। मैं महेश बात कर रहा हूँ पुणे से। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है गुड आपकी। इवनिंग सर। हाँ एक्चुअली लास्ट टाइम आपने एक होल्ड करवाने के लिए बोला था। क्या चीज? कुछ जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार देखता हूँ। मैंने आपको आई थिंक मैसेज भी किया था। काफी टाइम से मैंने होल्ड किया था वो। आई थिंक 2-3 हफ्ते से होल्ड किया, 1 हफ्ता होल्ड किया था उसको। क्या नाम है? जस्ट जस्ट निकल रहा हूँ मैं, जस्ट हो रहा हूँ। ठीक। हेलो, मुझे रिक्शा बोले एक बार। मैं सांगी जल्दी एक मिनट पर रिस्पॉन्ड। हीरो मोटोकॉम 2700 CE। 2700 CE। हाँ, हाँ तो ये तो प्रॉफिट में आया था ये, मतलब लास्ट फ्राइडे को। या, लेकिन आपने उसका स्टॉप लॉस जो दिया था वो हाँ कुछ तो 2650 का दिया था हाँ इन बट वो ना क्लोजिंग नहीं मिला मैं। था, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं ना, उनका मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने उनको बोला था कि भी वो होल्ड करना है। तो शायद उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला था, शायद होल्ड आपके पास अभी भी। नहीं, मैंने अभी एक्चुअली कैसा हो, जैसे वो 2650 आया ना, मैंने हाँ उसका स्टॉप लॉस 45 लगाया था। नहीं, देखिए ऑप्शन के अंदर कभी भी ना आप ऑप्शन का स्टॉप लॉस हम लगा नहीं सकते। वो कई लोग उसमें ट्रेडिंग जैसे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ऑप्शन का वो स्टॉप लॉस देते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर किसी ने मतलब आपको ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है कोई XYZ का जो कॉल है या फिर पुट है, आपको 60 की बाइंग करने के लिए अगर आपको बोला गया है, तो कोई स्टॉप लॉस आपको देगा 50 का या 52 का। तो उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज चली गई या फिर शेयर वहां पे साइडवेज हो गया ना, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होगा, खुद ही टाइम वैल्यू जो होगी ना, जो थीटा होगी, वो ऑलरेडी उसके अंदर से लेस हो जाएगी। तो शेयर अगर वहां भी घूमता रह गया, तो ऑप्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी उसमें से पहले से लेस होती चली जाएगी, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने टाटा कंज्यूमर का कॉल दिया था। आप हमारी पेज से बात कर रहे हैं? या मैं पेड मेंबरशिप हूँ या हाँ, तो आपने उसके अंदर से देखा होगा कि हमने एक टाटा कंज्यूमर का कॉल दिया था, वो अराउंड दिया था 24 या 23 के आसपास, और वो शेयर लगभग 3 से 4 दिनों तक उसी लेवल पे घूमता रहा, ज्यादा नीचे भी नहीं गया, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, लेकिन उसकी जो प्राइस थी वो आ गई थी 17 रुपये 80 के आसपास आ गई थी, या ठीक है।
लेकिन जो शेयर का जो एक्चुअल प्राइस था ना उसमें सिर्फ 2 रुपए डाउन गया था, उसके अंदर वो आ गया था क्योंकि मार्केट ना कुछ साइडवेज टाइप की हो गई थी वो 2-3 दिन, और उसके बाद अचानक जो उसके अंदर गैप अप आया तो सीधा वो 36 का हो गया। ओके सर, मेरे तो हम मेरे क्वेश्चन है आपको। हाँ अभी आपने जैसे अभी ये हीरो मोटोकॉर्प का 2700 का 60 में कुछ तो लेने के लिए बोला था, राइट? और आपने जो स्टॉक का मेन फ्यूचर का स्टॉप लॉस दिया था 2650, राइट? राइट मेरा जस्ट आपको एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप फ्यूचर का स्टॉप लॉस देते हैं ना, आप वैसे आप जैसे ऑप्शन का आपने कॉल दिया है, यानी 2700 का आप 60 पे लो, या हाँ 55 का या 40 का स्टॉप लॉस लगाओ, ऐसे आप जरा प्लीज देंगे ना तो हमको वो हेल्पफुल लगेगा। नहीं, उसमें मैं वही तो आपको बता रहा हूँ मैंने कितनी बार, जैसे 12-15 दिनों के अंदर ना मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ जो मैंने हाँ उसमें हेडलाइन पे लिखा हुआ है हाउ टू टेक आवर ट्रेड, है ना। ओके ओके तो उसमें भी मैंने ये कितनी बार मैंने वो बता रखा है कि वो कि जैसे हम लोग ऑप्शन का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देते हैं कि बाय चांस अगर मार्केट वहां पे साइडवेज चली गई ना, तो उसमें क्या होगा जो ऑप्शन की जो वैल्यू है ना वो उसमें से कम होती चली जाती है, ठीक है। ओके मतलब उस ऑप्शन के अंदर ना टाइम वैल्यू भी ऐड होता है, या एग्जैक्टली और हमारे पास टोटल 24 से 26 दिनों का टाइम मिलता है एक ऑप्शन को होल्ड करने के लिए मंथली वाले में। जी तो अगर 3-4 दिन अगर उसने मार्केट ने वहीं पे साइडवेज अगर हो जाती है तो उसके अंदर से क्या होता है ना, मार्केट वो 3-4 दिनों की वैल्यू फिर डिडक्ट करेगा ना उसके अंदर से। तो अगर मैंने आपको मान लो एग्जाम्पल ये 24 का दिया हुआ है तो वो 21 या 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर आपको मैंने 20 का स्टॉप लॉस दिया है तो प्राइस वहां पे भी घूमती रहेगी, लेकिन ऑप्शन का प्राइस जैसे 20 आ जाएगा आप लोग वहां से एग्जिट कर जाओगे। तो इसलिए हम वो लेवल लेते हैं, और उसके लिए हमारे पास 4 मेंबर्स की टीम है। तो हमने अब जब भी आप हमारे पेड को ज्वाइन करते हो उसके अंदर साफ साफ मेंशन होता है कि किसी भी पोजिशन को ओवरनाइट होल्ड करने से पहले आप एक बार मेंबरशिप कंफर्म कर लें, ये आपके पास डिटेल ओके जाती है ना। तो या मेंबर्स का काम क्या है, उनका काम तो सारा यही है ना कि मतलब जो हमारे साथ एड ऑन मेंबर हैं उनको कैसे भी सेटिस्फाई किया जाए। ओके और एक मुझे पूछना था, अभी आप ऑप्शन सेलर्स के कॉल देते हैं, ओके? वैसे जी एज पर माय ऑब्जर्वेशन, लास्ट नवंबर यानी अभी नवंबर ही चल रहा है, हाँ मोस्ट ऑफ बेनिफिट ऑप्शन सेलर को हुआ है, ठीक हाँ वो तो हुआ है। अच्छा एक है? सेकंड जरा आप होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। या हाँ सॉरी वो, हाँ दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, बोलिए। या इट्स ओके। लास्ट यानी दिस मंथ ना 90% जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑप्शन सेलर को हुआ है, लेकिन हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जो ऑप्शन हाँ सेलर है उसके हाँ लिए जो कैपिटल लगता है वो बहुत लगता है, राउंड हाँ अबाउट अबोव 1 लाख। हाँ ये तो है। हाँ तो मतलब जो उसके मिनिमम लिए, ऑप्शन सेलिंग की जो प्राइसिंग है वो हाँ होती है, स्टार्टिंग होती है वो 80,000 से लेकर मैक्सिमम आप जितना लगा सको। या मतलब या एक या ऑप्शन को सेल करने में, मतलब जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन हाँ सभी को सेल करने में आपका 80,000 के आसपास लगता है, और हाँ बाकी जैसे क्योंकि बीपीसीएल, आरबीएल बैंक हो गया, ये लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो मुझे मेरा ये पूछना है आपको सर, अभी सबके पास ही उतना कैपिटल नहीं रहता है, ठीक हाँ है? सबके पास नहीं रहता है, तभी तो कोई वो लोग बाइंग करते हैं। भी, हाँ, 20 लेके चल रहा है, कोई 50 लेके चल रहा है, कोई 1 लाख लेके चल रहा है, ठीक हाँ है? जो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए?
जैसे जिसके पास 50,000 कैपिटल है वो तो ऑप्शन सेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट कम कई बार से ऐसा होता है जो ऑप्शन सेलर सेल के लिए आपने दिया है ना, उसका टारगेट बहुत आगे जाता है। ठीक है, सॉरी हाँ जो ऑप्शन सेल के लिए आपने जो कॉल दिए रहते हैं ना, मोस्ट हाँ ऑफ उसके टारगेट बहुत हिट हो जाते हैं आपके, हाँ लेकिन ज्यादातर लोग वो ले नहीं पाते हैं। तो मैं टेलीग्राम में मैंने कितनी बार डाला हुआ है कि 95 to 97% आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके अंदर। हाँ, तो एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग बेसिकली हम लोग उसी लेवल को चूज करते हैं जो हमें लगता है कि वहां से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, या और बहुत स्विंग रेयर करता है। होता है कि 100 ट्रेड्स के अंदर मतलब 5 से 6 स्टॉप लॉस हो जाए। ओके, तो उसके अंदर जैसे ऑप्शन सेलिंग के लिए कम से कम जो कैपिटल चाहिए ना वो एटलीस्ट हमें 1 लाख से लेकर बाकी ज्यादा जितना हो जाए। अब उसमें भी क्या है कि हमने अपने मेंबर से बात किया था एक बार, तो हमने हाँ उसमें डिसाइड किया है कि क्या है ना, कई लोगों को नहीं पता ऑप्शन सेलिंग होती क्या है, मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगा, हाँ लेकिन हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि हम ना एक ब्रॉडकास्ट बनाएंगे सिर्फ सेलर्स का, क्योंकि ना ओके उसी के अंदर आपको कैश भी ट्रेड मिलती है, जी उसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको मिलता होगा कैश ट्रेड भी, ऑप्शन बाइंग भी और ऑप्शन सेलिंग भी। तो हम या लोग सोच रहे हैं जो सेलिंग है ना वो हम लोग सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि क्या है जो सेलर सिर्फ हमारे साथ जो एड ऑन हुए हैं ट्रेड में उनको कभी ना कभी लालच तो आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे हम बाय कर लेंगे, ठीक है। तो जो ऐड हुए हैं वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए ऐड हुए हैं हमारे पास, जिनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए बिल्कुल लो रिस्क के अकॉर्डिंग, और उसको उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मतलब एक बार में उनको 20,000 30,000 नहीं चाहिए, उन्होंने एक टारगेट पर रखा है कि डेली का मेरा 2,000 या फिर हफ्ते का 5,000 3,000 जो बन जाए उससे वो मतलब सेटिस्फाई है। तो ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी हम लोग ना अभी एक मैसेज करेंगे मतलब ब्रॉडकास्ट के थ्रू, तो जो अगर ऐसा चाहते हैं तो हम लोग वो पेड का जो सेलिंग का जो ब्रॉडकास्ट है ना वो हम लोग अलग कर देंगे। हाँ, कैश बेटर, क्योंकि कैसा है उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा फिर। हाँ तो वो मैं इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है, तो इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि मतलब सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, मतलब ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है, कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो बिगनर्स हैं वो लोग कैसे स्टार्ट करके कर सकते हैं ट्रेडिंग को, जी या फिर जो स्मॉल ट्रेडर है वो किस टाइप की ट्रेडिंग ले, किस टाइप से मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये सारा हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो मैं बाकी मेंबर से भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनकी कोई होल्डिंग पड़ी हुई है जिससे वो मतलब कैश की बात कर रहा हूँ ऑप्शन की नहीं, तो अगर वो उससे कोई अपना व्यू लेना चाहते हैं तो वो डिस्कस करें, या फिर मैं फिर जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सर एक होल्डिंग है मैथन एलोए की। मैथनोलोई की, एक सेकेंड हम लोग अभी मैं उस चार्ट ओपन करता हूँ। हाँ एक बार बताइए स्पेलिंग क्या होगी इसकी, MAITHAN MAITH। ANA, ये रहा सर फर्स्ट वन। अच्छा ये आपकी बाइंग कितने पे है, मेरी है सर इसकी एवरेज है मेरी 960 की। 960 की आपकी एवरेज है, तो इसका ना 900 और 905 के आसपास ना एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है सर। ठीक है, अगर उसने ये ब्रेक किया ना तो फिर आपको ये यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, मतलब 800 के आसपास। नहीं सर ऐसा ना, मैंने इस पे अमाउंट काफी अच्छा लगा रखा है, तो मेरे हिसाब से तो अब इसको होल्ड कब तक करूं मैं, मतलब 905 तक सपोर्ट तक। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो ये अभी नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है, लेकिन अभी ना एक सपोर्ट के पास है, तो जब तक ये ब्रेक ना करे 905 या 909 ब्रेक ना करे, तब तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। वीकली क्लोजिंग पे डेली क्लोजिंग पे, नहीं, ये वीकली क्लोजिंग पे, वीकली डेली क्लोजिंग पे अगर हम लोग आते हैं तो डेली पे भी वही सपोर्ट बन रहा है, तो अगर एक अच्छे खासे कैंडल से अगर ये मतलब क्लोज होता है ना यहाँ पे 900 के नीचे ओके सर। हाँ डेली के अंदर, या फिर आप ना एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जी
उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दूंगा कि ये क्लोजिंग देने वाला होगा उस टाइम। तो आपने इसका 900 का स्टॉप लॉस मान के चलिए डेली पे क्लोजिंग, या फिर वीकली पे मतलब क्लोजिंग का वेट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सपोर्ट ना बहुत अच्छा है। ओके सर, तो ये वीकली के क्लोजिंग तक का हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर वीकली की क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है और फिर अगर ये नीचे जाएगा ना, तो ये मतलब 800 820 के आसपास जाना इसका फिक्स है। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो पहले तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ये वाला जो लेवल है ना, इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है ठीक है सर। 980 के आसपास का जो लेवल है, 980-90 के आसपास। अगर यहाँ ये मतलब सस्टेन कर जाता है वीकली पे, तो जो हमारा अगला जो टारगेट है वो यहाँ पे हो सकता है, ये वाला एक रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब 1080 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा 1150 से 60 रुपए के आसपास। ठीक है, जैसे मेटल इंडेक्स सर अब ब्रेकआउट दे सकता है हाँ, कुछ, मेटल इंडेक्स अभी सही लग रहा है। तो उस लिए तो फिर ये भी देगा ना सर कि जैसे ये मेटल का ही स्टॉक है। हाँ, मेटल का है, मतलब ये नॉन एनर्जी मेटेरियल स्टॉक है ये हाँ जी तो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे मेटल चलेंगे तो शेयर भी चलेंगे, क्योंकि ओके ओके कई बार होता है ना कि बैंकिंग मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है, लेकिन उसके अंदर बंधन बैंक को देख ले आप। हाँ जी तो इसको आप इस लेवल के साथ होल्ड कीजिए, ये जो 900 का लेवल है ना, ओके ठीक ये बहुत अच्छा सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपका ये 820 और 800 जा सकता है। है सर। एक और शेयर था सर, एक एनटीपीसी, एनटीपीसी तो बहुत अच्छा है वो। उसका मैंने फ्यूचर लिया हुआ सर एक्चुअली, अच्छा, फ्यूचर लिया आपने। हाँ, दिसंबर सीरीज का, जैन सीरीज का सॉरी। अच्छा, जैन सीरीज का। हाँ, फिर तो ठीक है। ये जो एनटीपीसी है, ये बहुत अच्छे खासे अभी लेवल से चल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग अभी ऑप्शन तो बाय नहीं करेंगे, लेकिन आपने ऑलरेडी अगर ले रखा है तो ये वाला जो एरिया है, ये हेलो वाला जो एरिया है ना, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। ओके तो एक बार यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। अभी नीचे आके यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आके, या तो यहाँ से नीचे आए या इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाए, मतलब यहाँ पे इसको क्लोजिंग मिल जाए 174 के आसपास क्लोजिंग मिल जाए डेली पे। ठीक है, नहीं मतलब तो इसके अंदर जो हाँ टारगेट होंगे वो जी टारगेट मतलब 180 के आसपास मिल सकते हैं, और उससे आपको 180-190 के आसपास मिल सकते हैं। नहीं तो ये फ्यूचर को सर होल्ड करूँ या अभी सेल आउट करके, और जब क्लोजिंग इसकी 174 से ऊपर हो तब लूँ। आपकी एवरेज क्या है? एवरेज मेरी सर 168 ही है, मतलब ज्यादा वो नहीं है। नहीं तो ये वाला है कि इसके लिए अभी हर्डल बन रहा है, इसके वाला ये वाला जो एरिया है ना। मेरी जैन सीरीज के हिसाब से तो सर एवरेज 174 है। अच्छा, जेंस इज 174 है, तो इस वाले एरिया को आपने अभी फिर अभी रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक या तो इसको ये ऊपर पार करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, तो हमें बहुत अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ठीक है। तो वो मूव हमें 180-190 के आसपास ही मिल सकता है। और ठीक है इसके सर, नीचे आए तो अभी हम जैसे अभी ना यहाँ पे मैच अगर अभी ये फंसा पड़ा है, तो अभी इसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते इसे निकलना है या नहीं निकलना है। या तो इसको नीचे आए तो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा वैसे, ठीक है। अगर नीचे आएगा तो यहाँ तक ही जाएगा, मतलब 165 के आसपास जाएगा ये। और अगर एक बार हो सकता है कुछ दिन साइडवेज जाए, 1-2 दिन, तो आपके पास फ्यूचर है, तो आपको डरने की तो जरूरत है नहीं। मतलब वन तो सिक्सटी और फाइव में इसका क्लोजिंग रखूँ, अगर मतलब इससे नीचे जाता तो फिर सेल कर देता हूँ। वन हाँ सिक्सटी हाँ ठीक है। आप सर फ्यूचर से कॉल नहीं देते है ना? हेलो सर, दूसरे को भी टाइम दो, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं तो तब से टाइम दे रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहा। सर मैं बप्पा मंडल बोल रहा हूँ, आपका प्रीमियम चैनल का मेंबर हूँ। जी सर बोलिए। मेरा डीएलएफ का शेयर मैं ले रखा हूँ सर, सी बाय कर रखा हूँ, तो क्या ये 29 दिसंबर तक होल्ड कर सकता हूँ, या मतलब क्या है इसका लेवल क्या है, ये पूछना चाहेंगे। दिसंबर नहीं आपको हम, अच्छा हाँ दिसंबर, तो ये अभी होल्ड करवा रखा है, इसको आप होल्ड कीजिए। जी सर, तो और जो ये पेड की किस जो कॉल्स है ना, जो पेड की कॉल्स है, वो हम पेड में ही जी। डिस्कस करेंगे, अच्छा 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 उसको जब निकलना होगा ना हम आपको हाँ, मैसेज कर देंगे। कुछ सोच समझ के होल्ड करवाया है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल सर, पेड आपने बताया था वाली इसीलिए कॉल हम मैं पेड में ही इसका। डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक। उसके अंदर जो भी कोई बाकी डाउट होगा ना, पेड के लिए डरने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो भी अच्छा कोई डाउट होगा हम आपको मैसेज कर लेंगे। अगर हमें लगेगा ना कि इसके अंदर नीचे आ सकता है, हम आपको हाँ मैसेज कर देंगे। जैसे हर एक कॉल का मैसेज जाता है, आपको इस अच्छा कॉल का अच्छा ही मैसेज चला जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, यही गिल्टी पूछना था सेक्टर जो थोड़ा, है वो क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा पुलिस लग रहा ज्यादा है। क्वांटिटी ले रखा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा डर रहा था मैं, अच्छा, हाँ हाँ तो इसीलिए। कोई नहीं, चलो इसका हम आपको मैसेज कर कल देंगे। मंडे है, कल तो ऐसे भी पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, है ना, कल हाँ मंडे है तो अभी ग्रीन में है मेरा अभी, हाँ लेकिन मैं होल्ड करना चाहता हूँ कि 29 दिसंबर तक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि होल्ड कर हाँ लूँ कोई उसको। नहीं, उसका आपको एक एक डिटेल आपको मिल जाएगा उसके अच्छा अंदर अच्छा आपको। ठीक, ओके सर, गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं आपके पैड को पैड मेंबर से हूँ। जी तो सर मेरे को सर ये जो बजाज फिनसर्व है हाँ सर, इसका आप थोड़ा सा मेरे को चार्ट बता के थोड़ा बता सकते हो कि इसको मतलब कितना होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने ऑप्शन ले रखा है इसका 1700 कॉल, और सर बजाज, जब 40 में दिया था आपने, जब कर लिया हुआ है मेरा, अभी तो हाँ अराउंड वो जो 33 है के ना आसपास वो, चल रहा हाँ है। वो मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ प्रीमियम खा रहा है, बाकी लेवल्स तो हाँ वहीं पे घूम रहे हैं। हाँ सर, बस वो थोड़ा सा चक्कर था कि मतलब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, मतलब मेरे को भी ये लग रहा है कि सपोर्ट टेस्ट कर रहा है ये। हाँ बस वही है। अब इसके अंदर क्या है ना, स्टॉप लॉस तो हमारा वही रहेगा जो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, ठीक है। हाँ 1614 का दे रखा हाँ स्टॉप लॉस हमारा है। वहीं पे रहेगा, लेकिन ओके अब क्या है, इसने बहुत अच्छे खासे लेवल्स को इसने यहाँ पे टेस्ट किया है। ये वो जो लेवल है, इसने इसको लगभग यहाँ से जी हम अगर जी इसको देखें ना, इस वाले सपोर्ट ने इसको लगभग 190 पॉइंट्स का मूव दिया है, जो कि इस ओहो पूरे एरिया के रेंज को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। जी तो जी ये वाला एरिया बहुत अच्छे खासे सपोर्ट से चल रहा है। तो पहले तो क्या था, ये बहुत अच्छे खासे नीचे आया था, लेकिन अब क्या है, ये बार बार ना ये वाला एरिया इसलिए रेजिस्टेंस बन चुका है, तो बार बार अब इसको टेस्ट कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर अब थोड़ी मार्केट ने भी सपोर्ट किया ना, तो अब इसको ये ब्रेक कर देगा। जब इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जो इसका अगला टारगेट होगा ना, वो एटलीस्ट यहाँ पे होगा, जी ये जी वाला एरिया होगा इसके लिए अगला टारगेट, अच्छा मतलब अच्छा 1666 के आसपास का। ठीक है। तो शेयर तो वहीं पे घूम रहा है, बट क्या है, वही प्रीमियम खा रहा है। हाँ तो वो जैसा प्रीमियम डिके हमने हो ये रहा अभी है। मीटिंग के हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, तो अभी कोई मेंबर बोल रहे थे कि आप लोग ना ऑप्शन में वो स्टॉप लॉस क्यों नहीं देते हाँ हो, हाँ हाँ वो समझ तो आ गया ऑप्शन सर, में वो स्टॉप क्यों लॉस नहीं नहीं देने देते। का वो यही रीजन है जी जी बिल्कुल कि सर, शेयर अभी मैंने रेंज में घूम रहा है ना, तो वो फालतू में वो प्रीमियम खाता रहेगा, तो वो स्टॉप लॉस फिट हो जाता है। वही आप देख लो, अभी हमने एक कॉल दिया था, हीरो मोटोकॉर्प का भी दिया हुआ था, जी जी शेयर वहीं पे घूम रहा था लेकिन वो प्रीमियम खा रहा था, लेकिन बाद जी में एक अच्छी खासी अब मूव आई तो वो लगभग 14 रुपये से ऊपर हाँ चला गया। अचानक उछाल मारा उसने, सही है। हाँ 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 मैं भी था सर उसमें, और मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छा खासा पैसा कमाया, और टीसीएस बस में भी अब अच्छा खासा किया। ऐसे ही कमाएंगे अब तो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ना मैंने पहले बहुत सारा लॉस किया था, और जब मैंने पहले दिन ही आपका चैनल ज्वाइन किया था तो सर हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब विश्वास हो गया कि हाँ मैं एक अच्छे ट्रेडर से जुड़ा हुआ बस बस, हूँ। थैंक ओके सर, यू। थैंक यू सर। भाई मेरे को ये प्रॉब्लम थी बजाज की, मैंने होल्ड कर रखा है काफी टाइम से इसको, तो हाँ कोई मैं नहीं, सोच रहा था इसको मतलब मंथ में होल्ड करूं या निकालूं या हाँ स्टॉप मैं लॉस तक वेट इसमें अगर करूं। ऐसा कुछ होगा ना, हम आपके साथ मतलब शेयर कर देंगे, क्योंकि अब जो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे शेयर चलेंगे, सारे स्टॉक चलेंगे, स्टॉप लॉस तो हाँ होंगे, हाँ लेकिन जो भी है बिल्कुल, हम आपके साथ जो लेवल्स होंगे ना, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे, आई थिंक सर मैं लेकिन प्रॉफिटेबल रहूंगा पूरे मंथ में। बिल्कुल रहेंगे, अब बिल्कुल रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट अभी सभी मेंबर से हैं, जो भी मतलब पेड से जो ज्वाइन हुए हैं, वो ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी हम आपको इसके रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। ओके सर। सर और किसी का कोई सवाल, या फिर आगे हम एक चीज स्टार्ट करें? और, जैसे मैं सर हाँ ऑप्शन बोलिए सेलर हूँ, जस्ट सेल करता हूँ जो आपके पेड ग्रुप में, तो उसमें एक जी। कॉल आई थी सर इंडिगो की आई थी, आपने 6 रुपए हाँ भी दी थी, वो 42 पे चला हाँ गया था टाइप से, हाँ तो उसके बाद आपने क्या किया, मैंने सर सेल कर दिया था, मैंने मतलब एग्जिट कर दिया, लॉस बुक कर लिया था। लॉस बुक कर लिया? आपने किसी को मैसेज किया? नहीं मैंने मैसेज नहीं किया था, वही मैंने पूछा था कि अगर लॉस बुक करना हो तो आपका मैसेज आएगा लॉस बुक करने के लिए। मैसेज आएगा, क्यों नहीं मैसेज आएगा? या फिर अगर मान लो मैसेज नहीं आता है, ओके आपको हाँ लॉस शो कर रहा है, तो आप किसी को मैसेज करेंगे ना, जी
अब इसके अंदर क्या है, अभी मैं उनसे बोलता हूँ, वो मुझे मैसेज करे, अभी ये बोलेंगे गोविंद नाम से एक मेंबर ऐड होंगे, जरा एक बार आप जरा बोलेंगे इसके अंदर ग्रुप में अभी। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ एक बार आप जरा बोलिए, वो इंडिगो का जो था आपके पास भी था ना, हाँ तो ये इनके पास भी इंडिगो था, ठीक है, और ये सिर्फ सेलिंग ही करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये इनको भी मैंने सेल करवाया था, वो ओके। अगले दिन मार्केट ओपन हुई, वो चला गया 32, ठीक है। इन्होंने मुझे मैसेज किया, हाँ जी मुझे लगा किसी और ने होल्ड नहीं कर रखा होगा, क्योंकि जो मुझे मैसेज करेगा मुझे वही लगेगा ना, ठीक है सर। तो मैंने कुछ बोला नहीं। इनका मैसेज आया, उसके बाद वो 38 गया, मैंने, मेरे को लग रहा था वो नीचे गिरेगा, मैंने इनसे एवरेज करवाया, ठीक है। ओके सर, एवरेज करवाने के बाद वो 48 गया, लेकिन मैंने इनसे होल्ड करवाया। मैं भी ऐसे एवरेज करने लगा था, बट वो हाईएस्ट उसका 48 चला गया था, फिर इसलिए मैंने। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, वो 48 गया था, हाँ जी उसके बाद मैंने इनको बोला होल्ड करने को, तो जो एक टाइम वो 9 साढ़े 9 हजार का लॉस दे रहा था, हाँ जी उससे इन्होंने 11,700 का प्रॉफिट बुक किया है। ओके। तो मैंने, इसीलिए मैंने ग्रुप के अंदर बोला हुआ है कि जो मेंबर्स हमने रखे हुए हैं, 4 मेंबर्स की टीम है, उनका तो यही काम है ना कि मतलब आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करें। उसके अंदर साफ साफ ये मतलब बोला गया है कि जो भी अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कर ले कि इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है। तो ओके सर मुझे मुझे तो यही लगा ना कि मतलब किसी ने होल्ड नहीं किया होगा, या फिर किसी ने ठीक ऑप्शन सेल नहीं किया होगा, इस चलते किसी का मैसेज नहीं आया, क्योंकि लॉस किसी का भी 100 होगा तो एक बार वो कंफर्म तो करेगा ना कि हाँ मेरा भाई इसमें लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। सर। जो आप भी जैसे भी 3-4 दिन से मेंबर हो, जो भी आप सेलिंग की कॉल दे रहे हो, मैं अब ले रहा हूं, पर मैं इंट्राडे में ही सेल कर देता हूँ, लाइक 1,000, 1,500, 2,000 जो भी प्रॉफिट आ रहा है पर उस पे। वो भी बहुत अच्छा है। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या है ना, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग करते हैं, जैसे अभी अब हम ये एक्सपायरी खत्म हो गई वो नवंबर वाली, अब दिसंबर के अंदर जो भी हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे ना, हाँ जी उसके अंदर क्या है, दिसंबर की जो भी सेलिंग होगी वो दिसंबर के 12-13 तारीख तक जो भी है, उसके अंदर हम ना ट्राई करेंगे कि हमें 1,000 2,000 जो भी मिल गया एक ऑप्शन को सेल करने से, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग मतलब इंट्राडे में बुक कर लें। हाँ जी और उसके क्योंकि बाद जब टाइम आएगा ना, 12-13 के बाद जो टाइम आएगा, ठीक है उसके अंदर फिर सही से पैसे बनेंगे, एक एक ऑप्शन से हमें 5-5 हजार बनेंगे। ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी मेरे को डर रहता है कि सी इसमें मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, अभी पूरा मंथ है इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। हाँ तो वही ठीक मैंने बोला ना कि हम लोग फिर उसको इंट्राडे में बुक करते हैं है सर स्टार्टिंग वाले, और उसके बाद जो भी चलते हैं ना, उसको हम लोग फिर पोजिशनली मतलब ऐड कर लेते हैं। और सर आप फ्यूचर से कॉल भी दोगे इन फ्यूचर या? फ्यूचर की कॉल ना, अब जैसे जो इसके अंदर जो इंटरेस्टेड है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मतलब डिस्कस किया था, लेकिन किसी का कोई मैसेज नहीं आता कि हाँ मैं किस टाइप की ट्रेड चाहता हूँ या फिर क्या नहीं चाहता हूँ। अच्छा तो पहले सर, एक आप, रिक्वेस्ट थी आपसे सर, हाँ बोलिए। जो नए ट्रेडर्स है जो मार्केट के अंदर, सर हाँ आप उनके लिए एक वीडियो बना सकते हो कि मतलब फ्यूचर एक्चुअली में होता क्या है। सर कुछ लोग हैं उनको नहीं पता है, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे बिगनर्स जो होते हैं, तो सर देर लाइक मैं मेरे को भी नहीं पता सर कि फ्यूचर्स होते क्या है एक्चुअल फ्यूचर में। क्या है, फ्यूचर में क्या है, जैसे शेयर हम लोग बाय करते हैं ना, एक बार बल्क में उठा लेते हैं 1,000 क्वांटिटी, तो वो फ्यूचर भी होता है। जैसे ऑप्शन के अंदर हमने, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, HDFC का कोई ऑप्शन हमने बाय किया है, उसके अंदर लॉट साइज होती है 550 की, ठीक है, अच्छा वो ऑप्शन हमारे पास होल्ड करने का जो मैक्सिमम रेंज है वो है 1 मंथ। तो वो हमने फॉर एग्जाम्पल दिसंबर मंथ का, हमने कोई दिसंबर मंथ में HDFC का कोई ऑप्शन बाय कर रखा है, तो हम उसको 1 महीने होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म होगा ना, तो अगर वो अपने डायरेक्शन में नहीं गया, वो अगर हमने कॉल ले रखा है या फिर पुट ले रखा है, तो वो अपने डायरेक्शन में अगर नहीं गया तो टाइम वैल्यू तो खत्म होगी ही, और धीरे धीरे उस ऑप्शन की वैल्यू भी खत्म होती रहेगी। तो उसके अंदर जो है ना, टाइम वैल्यू भी इंक्लूड होता है ऑप्शन के अंदर, तो अच्छा उसके अंदर ये हमें मतलब डिसाइड करना पड़ता है कि अगर ये 24 दिन के अंदर जो हमने सोचा है अगर वैसा होगा तब प्रॉफिट होगा, अगर नहीं होगा तो वो 0 होगा।
और फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। अगर हमें लग रहा है ना कि हाँ इसको ऊपर जाना है, अच्छे खासे लेवल से अगर चल रहा है, इसे लग रहा है ऊपर जाना है, तो HDFC का हम लोग फ्यूचर बाय करते हैं तो उसके अंदर भी 550 क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके अंदर टाइम वैल्यू का कोई इसमें मतलब बाउंडेशन नहीं होता है, तो अच्छा। उसमें हम लोग वो रहेगा तो 1 महीने ही अपने पास। लेकिन अगर जैसे हमने कोई HDFC का, जैसे हमने 2,000 का कोई कॉल बाय कर रखा है 20 रुपए पे, वो हमने बाय किया है, जैसे कल मार्केट ओपन होगी तो हमने कल बाय कर लिया, 20 रुपए बाय कर रखा है, ओके। हेलो, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आपका म्यूट हो रखा है शायद। गाइज प्लीज बी ऑनलाइन, माइट बी हैव सम टेक्निकल एरर। हाँ 1 सेकेंड अभी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था आपको HDFC बैंक के बारे में, तो हमने HDFC बैंक का अगर 2,000 का कोई कॉल बाय किया दिसंबर एक्सपायरी का, तो और अगर 10 दिसंबर तक भी ना, अगर वो 1,600 हमने 50 में बाय किया था, अगर हमने जब से ऑप्शन बाय किया था HDFC बैंक चला था 1,650, जी। और अगर 10 दिसंबर तक 1,655 भी रहता है ना HDFC, तो जो हमने 20 का कॉल बाय कर रखा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 17 या फिर 15 ऐसे हो जाएगी। मतलब शेयर तो ऊपर अच्छा। 5 रुपये चला गया है, लेकिन वो बहुत दूर का है और टाइम वैल्यू भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें हमें लॉस होगा। ठीक है। लेकिन हाँ अगर हमने फ्यूचर बाय कर रखा है ना HDFC का, तो हाँ वो 10 तारीख तक नहीं, वो दिसंबर के 20 तारीख तक भी अगर वो 1,650 पे ही चल रही है ना, तो हमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। अच्छा। और सर, उसके मान अंदर लो क्या होता ऊपर है, चली गई तो उसमें जो हमें प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। मिलता है। अच्छा। हाँ लेकिन उसके अंदर क्या है, हमने ऑप्शन बाय करने के लिए, हमने अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया है HDFC का 20 रुपए का, तो उसे हमें देना कितने पड़ेगा, मैक्सिमम 11-12 हज़ार रुपये, ठीक है। हाँ और हमने कोई अगर उसका फ्यूचर बाय किया है, तो हमें पे करना पड़ेगा अराउंड 152-2 लाख के आसपास। ओहो, तो अच्छा उसमें ना हम, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रोकर को हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, अच्छा और वही जो सेलर्स होते हैं वो भी उसके अंदर जो सेलिंग, जैसे हम लोग सेलिंग का जो कॉल देते हैं उसके अंदर भी हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं। ओके। हाँ तो अब और किसी को मतलब अपने क्वेश्चन पूछना है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ महेश बात कर रहा हूँ, पेड बोलिए। ग्रुप से। हाँ बोलिए। हाँ HDFC का 2620 का पुट लेके रखा है मैंने। HDFC हेलो, का
पुट लेके रखा है अपने 2620 का पुट लेके रखा है, मेरा बाइंग प्राइस है 47.61। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, HDFC का 2620 का पुट। अच्छा हाँ, बाइंग प्राइस है 47.61, अभी चल रहा है 24। तो अभी इसको एवरेज करें या एग्जिट हो जाए? अपने पुट ले रखा है या 47.61 एवरेज मेरा बाइंग प्राइस है। और ये स्ट्राइक प्राइस क्या है आपकी? सॉरी, 2620। हेलो, 2620 की आपकी आपकी स्ट्राइक प्राइस है ना? हाँ, 47.61 बाय प्राइस एंड राइट नाउ 26.50। हेलो, नहीं ये पुट लेना, ये एग्जिट करना ज्यादा बेटर होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं एक डॉट एवरेज कर दूं तो यानी अबाउट 20 है। अच्छा, आपने जो लिया था ये ट्रेड, मतलब किस बेस पे लिया था ये? या अभी ना मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है अभी, और जो मतलब हाईली वेटेड जो शेयर है निफ्टी के। आवाज आ रही है आपको? यस यस, आई एम लिसनिंग। तो जो हाईली वेटेड जो शेयर है ना निफ्टी के, वो भी अच्छे खासे सपोर्ट से चल रहे हैं। अभी आप अगर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस भी ना, वो एक बहुत अच्छा खासा लेवल अभी उसने क्रिएट किया है लास्ट मार्केट में ही। पहले इसने ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा इसने रिटेस्ट किया है। ये सब कुछ खुला है, ऊपर आसपास कुछ है नहीं। इसका जो अगला लेवल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है लगभग 2670 के आसपास, ठीक है? तो ये भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए या फिर कुछ आ जाए, तो यहाँ से एक बार नीचे आए, यहाँ तक लगभग 2570 के आसपास आए, और वहां से फिर ये बड़ी रैली आएगी। तो इसका पहला टारगेट बन रहा है 2670 रुपए का। उसका अगला टारगेट आपको ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये गैप को फील करने जाएगा तो अपना अगला टारगेट बनेगा 2700 के आसपास का। तो मार्केट अभी काफी ज्यादा बुलिश है, और जो हाईली वेटेड शेयर है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो उसने हाई बनाया था ना, मतलब लास्ट ईयर जो बनाया था अपने हाई 19000 कुछ का, उसको ब्रेक करके मतलब ये 20000-20500 तक जाने के लिए रेडी है। ओके, तो HDFC से एग्जिट करूं? HDFC से अभी एग्जिट करना ही ज्यादा ठीक लग रहा है। ओके, क्योंकि कुछ है नहीं, क्योंकि इसने ना इसने एक ब्रेकआउट दिया था, फिर नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इसे ये नीचे आया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से इसने इस वाले एरिया का सपोर्ट लिया हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला एरिया, इसे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया। अब उस दिन नीचे तो ये आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ से रिकवरी आ गई है यहाँ से। ओके, और अगर 15 मिनट के अंदर भी जाएंगे ना आप, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, जो कि ये इसका सपोर्ट है। यहाँ तक ये वाला एरिया एक सपोर्ट बन चुका है। ओके, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि नीचे गिर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। वन मोर थिंग इज दैट BHEL, बेल के बारे में आपकी क्या राय है? बेल तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वो भी। उसकी हमने उसका मैं ऑप्शन देता ग्रुप के अंदर, बट क्या है ना, लॉट साइज जो बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है कि अगर स्टॉप लॉस होगा तो। 10,500 है।
हाँ या तो परसों जो बहुत शानदार छोटे गया हूँ। मेंबर्स भी है ना उनका लॉस, हाँ उनका लॉस रहेगा, क्योंकि भेल का मैंने ना शायद पेड़ में तो मैंने वो कितनी बार मैंने दे रखा है, मतलब कैश के अंदर, और टेलीग्राम के अंदर भी मैंने बहुत बार बोल रखा है कि इसको बाय करना चाहिए। या क्योंकि 0.80 तो का कॉल, 80 का 3.60 कुछ तो चला गया था, इतना 9% का हाँ उसमें तेजी हो गया था परसों के सेशन में। बीएचईएल की एक मैंने वीडियो शेयर की है मैंने यूट्यूब चैनल पे, उसकी जो भी रिसर्च है, और इसके अंदर ना मतलब जो लॉन्ग टर्म अगर आप टारगेट देख रहे हैं ना, तो इसका टारगेट हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब अगला जो टारगेट बनेगा ना वो हमारा बनता है यहाँ पे लगभग इस वाले एरिए पे, 88 पहला पे हमारा टारगेट होगा 88 का, हाँ उसके बाद 108, फिर अपना टारगेट बनेगा इस वाले एरिए पे 125-129 के आसपास। लेकिन मुझे ये लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कितनी बार मैंने बोला हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने ये जब 64 या 62 था तब मैंने शेयर किया था, ये सारे टारगेट मेंशन किए थे जो यहाँ पे अभी मैंने लिखे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, हमें ये टारगेट आपको शो हो रहे हैं। तो अभी इसका 85 का कॉल ले सकते हैं या अभी वेट कर सकते हैं? अभी अभी इसके अंदर नहीं ले सकते, इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है अभी। तो अगर आप अगर यहाँ पे आते हैं ना, इस एरिया पे अगर आप लोग आते हैं, ये वाला ना एक रेजिस्टेंस बना था इसके लिए, बार बार यहाँ से नीचे जा रहा था, ठीक है। अब इसको फाइनली वीकली पे इसने क्लोजिंग दिया है, डेली पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अब एक बार ना ये नीचे आके रिटेस्ट करें, फिर अगर कुछ कैंडल ये बनाती है ना, तो अगर उसको ब्रेकआउट दे तो ठीक है, तो या अगर यहाँ पे आ जाए, सॉरी अगर ये इस एरिया पे आती है तब यहाँ पे बाई करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेन जगह है ना इसका ना लोड बहुत बड़ा है, तो इसमें लॉस होने के चांस ज्यादा है। तो ऐसे में शेयर को ट्रैक नहीं करता ऑप्शन में बाइंग के लिए जिसके लॉट बड़े होते हैं, क्योंकि अपने पास ऐसे मेंबर भी हैं जिनकी कैपिटल कम है, तो इसके अंदर अगर 1 रुपए का भी डाउन मूव आता है तो उसके अंदर लॉस अच्छा खासा शो करने लग जाता है। तो और किन्हीं को इसमें कुछ कोई डाउट किसी शेयर के बारे में, फिर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने सेशन लिया है। सर मुझे फोर्टिस शेयर के लिए पूछना था, मेरा नाम विपिन है, कि उसका क्या व्यू फोर्टिस रहेगा? हेल्थ केयर, राइट सर, अभी मेरे पास 10 क्वांटिटीज हैं 289 के रेट से। एक बार उसकी स्पेलिंग बताइए फोर्टिस की। FORTIES FORTIES फोर्टिस हेल्थ केयर है ना? राइट इसमें यार स्कोर FORTIES है, और ई नहीं है सर इसमें। एफ ओ आर टी आई एस टी आई टी आई एस एस ठीक है। हाँ इसमें आपने क्या ले रखा है? टेन क्वांटिटीज है मेरे पास, तो इसका फर्दर लॉन्ग रन में क्या व्यू है अगर होल्ड करना है तो? इसका लॉन्ग रन में व्यू काफी न्यूज़ में भी था ये शेयर, हाँ ये भी मतलब अच्छे खासे रेंज से चल रहा है अभी, और इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी दे दिया है, तो इसका टारगेट ना एक बार ये यहाँ पे रुक सकता है, मतलब इस वाले एरिया पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस बना हुआ है 312 वाला। आपकी एवरेज क्या है? 289 289 10 क्वांटिटीज है। मतलब, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ए वाला एरिया लेके चलना लगभग 264 का, ओके
और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने एंट्री ली है तो इस वाले को स्टॉप लॉस लेके चलना आप 275 का। ओके सर। और इसके जो आपको पहला टारगेट मिलेगा आपका 300 का होगा, उसका अगला टारगेट आपको होगा 314 के आसपास का। और एक बार अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया ना लगभग 311-12 के आसपास, तब आपको इसके अंदर 350 और 400 प्लस के लेवल इसके अंदर दिख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेरी? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे SL को शिफ्ट करना होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने वो टाटा कंज्यूमर का कॉल लिया था 780 का, ठीक है, उस पे क्या था कि 25 का हमारे, आप तो हमारे पास ज्वाइन हुए थे सेलर के लिए, तो आपने बाइंग कैसे स्टार्ट कर दी? नहीं नहीं कुछ भी कर सकते हैं ना, नथिंग, अगर आप कहीं पे बेनिफिट मिल रहा है तो नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना, सेलर्स हमारे पास सिर्फ इसलिए ज्वाइन होते हैं कि उनको प्रॉफिट एक बार में राजा नहीं बनना उनको। नहीं नहीं वो अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो तो मैं समझ गया, बट एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे SL शिफ्ट करते हैं ना, उस पे ना क्या होता है ना, मेरा हिट हो जाता है कि मतलब जैसे कि 25 से वो 35 समथिंग गया था, ठीक है, और बट वो क्या हो गया कि 30 गया, फिर 33 गया, फिर वो डर के मारे SL बढ़ा देते, बट वो हीट हो जाता है और जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होना था वहां पे कम हो जाता है। तो फिर आप उसको एक बार बुक कर लो, मतलब बुक कर ले, जितना मिला उसी में सेटिस्फाई हो, तो वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर ये तो मतलब साफ साफ फिर नुकसान होगा ना, कि अगर आपको जो एक बार बाद में 5000 का प्रॉफिट मिला था वो लॉस हो जाए बाद में, फिर इस बात का बुरा लगता है ना, रिग्रेट होता है कि जहाँ पे हमने 35 में बुक कर लिया बाद में वो 47, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो 50 में चला जाता, बाद में ज्यादा हो सकता है ना। मैं वो सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा अभी, वो सारे करूंगा डिस्कस में। और कोई क्वेरी किसी के पास? हाँ वो भी मैं, वो मैं पता है आपके पास क्या सवाल है, आप लोगों के पास मुझे सब पता है। हमारा जैसे और किसी के पास कोई क्वेरी? सर मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी डेली की जो कॉल लेते रहे और हजार हजार का भी प्रॉफिट बुक करे ना, तो सर डेली का 5-6 हजार रुपए कमा सकता है आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान हो तो बहुत होता है सर। शायद आप वही मेंबर है जो मैंने एक कॉल दिया था लॉरेंस लैब का, वो मैंने एग्जिट करवा दिया, उसने लगभग 2 या 2.5 रुपए का मूव दिया था, और उसमें भी मेरे को किसी मेंबर ने ना प्रॉफिट में स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। वही है, मैंने उसमें लिखा भी था कि मतलब यू आर डूइंग सुपर। जी सर। हाँ तो मुझे ऐसे ट्रेडर बहुत अच्छे लगते हैं जो मतलब बड़ा थोड़ा थोड़ा से हमेशा अच्छा मिलता है सर, बड़ा प्रॉफिट सर, फिर वो है कि फिर और ज्यादा का वो इच्छा होने लग जाता है, वो ही चीज है, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा रिस्क। हाँ आपने जो फिनिप्टी का जो कॉल दिया था ना, वो तो सुपर हिट हो गया था, सुपर सर। हाँ, सुपर मैं एकदम बढ़िया बोलने जा रहा हूँ, फिन निफ्टी के जितने भी कॉल मैं दे रहा हूँ वो सारे सुपर हिट ही हो रहे हैं, लेकिन मेरे को डर ये लगता है कि पेड मेंबर में इतने मेंबर्स ऐसे हैं ना, वो कुछ कॉल्स को लेके तो ऐसे मतलब कोई कॉल आई नहीं कि उसके अंदर क्वांटिटी तो ऐसे भरते हैं जैसे पता नहीं वो एकदम 4-5 गुना हो जाएगा। मुझे इसी बात का डर रहता है कि चलो ठीक है अभी तक वो सारे हमारे फेवर में गए हैं, लेकिन जिस दिन वो हमारे फेवर में नहीं गए तो वो भी हमारे को ना उसमें माइंड में लेके चलना पड़ता है कि अगर ये हमारे को लॉस देगा तब क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर। जी सर बिल्कुल, जैसे एक बार हुआ था आपने मेंबर्स का मैसेज आता है मेरे पास, वो बोलते हैं भाई ये मेंबर्स ने बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में बाय कर रखा है, तो फिर तो मुझे अपने ट्रेड की टेंशन कम होती है, मेरे को उनके ट्रेड की टेंशन ज्यादा होती है। फिर मुझे रात रात जग के फिर मुझे XGS निफ्टी देखना पड़ता है, फिर डॉ देखना पड़ता है कि अच्छा इसकी रिकवरी यहाँ से आ जाएगी, नहीं तो उसका इतना लॉस जाएगा, इसका इतना लॉस जाएगा। सर आई थिंक निफ्टी और ये जो फिन निफ्टी वगैरह है, इनसे बेटर ऑप्शन के ट्रेड हैं, अच्छे होते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, और वो ठीक है। हाँ, वीकली कोई एक दो, तभी मैं निफ्टी में उतना ट्रेड देता नहीं, बैंक निफ्टी में बहुत रेयर में ट्रेड देता हूँ।
बिल्कुल और सर, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है स्टॉक वाले, तो मैं स्टॉक वाली ट्रेड देता हूँ। बिल्कुल सर, उनमें सर नुकसान का ज्यादा चांस रहता है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है उनमें। हाँ, और उसके लिए ना बंदे को एक्टिव रहना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, अभी के लिए स्टॉक ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और मुझे, मैंने भी अभी तक जो भी अचीव किया हुआ है वो स्टॉक ऑप्शन से ही किया हुआ है। मुझे निफ्टी में और बैंक निफ्टी से तो मेरे को बिल्कुल हद से ज्यादा नफरत है। मतलब निफ्टी के अंदर तो हम कर भी लेते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड बहुत रेयर होता है, हम लोग ट्रेड देते हैं उसके अंदर। सर मुझे बढ़िया बात ये लगी कि आप कॉल देते हो, ठीक है, जैसे मान लो निफ्टी का कोई कॉल दिया और अचानक से निकलना हाँ। होता है तो आप बता भी देते हो कि फटाफट निकलो, इससे जो भी है वो बुक करके निकलो अब वो तो हमारे वो फेवर अच्छा में अगर लगता नहीं है। जा रहा, जैसे जैसे कई लोगों को नहीं पता होता है कि मतलब ट्रेड कैसे लेना है, चार्ट का उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो अगर हमें दिख रहा है ना कि उसके अंदर कुछ नहीं बनने वाला है, तो फालतू में वेट करवाने से क्या फायदा कि मैं बाद में आपको निकलवा दूं, बाद में बोलूं आपको होल्ड करवा दूं, अगर लॉस हो जाए तो ठीक है, और अगर चल जाए तो मैं आपसे बोलूं देखो मैंने आपसे आपसे बोला था कि ये तो इतना चला गया। सही है सर, वो एक दिन का मैं आपसे ना, एक दिन का मैं आपसे बोल के मैं क्या करवा लूंगा, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है ना, जी तो जी सर, ये तारीफ लेने से क्या फायदा। तो हम लोग फिर वो जो मेन टॉपिक था स्टार्ट करें क्या? जी सर हाँ बिल्कुल सर जिसके लिए मतलब बिल्कुल, मैंने ये सेशन। ठीक है सर, कोई बात नहीं। या फिर अभी कोई क्वेरी है तो हम लोग कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। नहीं सर, आप सेशन स्टार्ट कीजिए अपना। जी सर, मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कीजिए आप। हाँ बस अभी कर रहे हैं। सर सीखे कैसे, मतलब ट्रेडिंग करना कैसे सीखे, तो आप कोर्स दे रहे हो ना। तो गाइस जो आपकी क्वेरी होगी ना, वो क्वेरी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले। तो जैसे कुछ लोगों का आता है मेरे पास मैसेज कि हम लोग ट्रेल कैसे करें, फिर बड़े टारगेट को कैसे लें, तो आपने ना, अब चाहे वो पेड के अंदर देखा होगा या फिर टेलीग्राम के अंदर देखा होगा, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं जो सेफ ट्रेडर है ना, वो जैसे कुछ मूव आती है तो हम लोग बोलते हैं बुक कर लेने को या ट्रेल कर लेने को, और जो बाकी ट्रेडर हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। उसको बोलने का सिर्फ यही हमारा रीजन होता है कि जो मेंबर्स, एक सेकंड साउंड नहीं आ रही है, साउंड साउंड नहीं, साउंड आ रही है आपको? आ रही है सर, अभी किसी ने परफेक्टली ऑल मैसेज राइट किया मुझे कि साउंड नहीं आ रही, मतलब आ रही है, परफेक्ट है साउंड। अभी रवि रवि जी ने कोई मैसेज किया है, साउंड नहीं आ रही है, अब आपको आ रही है? या आ रही है, एकदम परफेक्टली आ रही है। हाँ, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें लोग मैसेज करते हैं कि जो सेफ ट्रेडर है वो बुक कर सकते हैं और जो बड़े प्लेयर है उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो सारा ये जो गेम है ना, वो कैपिटल सेव करने का है, क्योंकि अगर कैपिटल है तो आप अपने से भी ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, या फिर किसी की ट्रेडिंग स्किल को आप लोग मतलब यूज करके भी पैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कुछ पैसे नहीं बनने वाले। हेलो रवि, रविंद्र, आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ ठीक है। हाँ, तो जिसके पास जो जिसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है ना, वही बड़ा ले सकता है। अब आपने कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, कैसे आवाज नहीं आ रही है? मतलब सबको तो आवाज आ रही है, जिनको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा रिज्वाइन कर लो। हो रहे होंगे आई थिंक सो। हेलो
हेलो हेलो, साउंड आ रही है, परफेक्ट है साउंड, आप बोलिए। पता नहीं मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही आपको। अच्छा ठीक, तो अभी आपको ध्यान होगा, अभी हमने पंजाब नेशनल बैंक का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें प्रॉफिट था आसपास 97 या 96 हजार का। बाप रे, नहीं तो आपने वो देखा नहीं स्क्रीनशॉट, वो ना हमने ऐसा पंजाब नेशनल बैंक की एक कॉल दी थी 1.45 की, और वो जो कॉल यस थी यस उसका आई थिंक स्टॉप लॉस लास्ट लास्ट वीक दिया था आपने। लास्ट वीक हमने शेयर किया था, तो या वो कॉल ना लगभग 8 के आसपास चला गया था, तो उन मेंबर का सडनली हमारे पास मैसेज आता है। उस दिन हमने कोई स्क्रीनशॉट नहीं मांगा था, क्योंकि जो भी हमारी ट्रेड थी ना वो रनिंग थी, तो उसके अंदर ऐसी कोई बुकिंग नहीं आई थी, तो हमने बोला भी नहीं था कि हमें भाई स्क्रीनशॉट शेयर करो। तो उनकी सडनली उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट आता है, वो 96-97 हजार का था, सिर्फ एक लॉट से और एक ट्रेड से। तो उसका लॉट उन्होंने साइज भी हमें ज्यादा है मैसेज ना। भी किया था, काफी ज्यादा रिस्की था, बट हाँ उसका 16 हजार का लॉट है। तो 16 अब उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो एक बार उनको ना 50 हजार का प्रॉफिट भी दे रहा होगा, एक बार 30 हजार का भी दे रहा होगा, लेकिन उन्होंने बुक नहीं किया, उन्होंने पूरा टारगेट का वेट किया। लेकिन उतने टारगेट का वेट कौन कर सकता है जिसके पास उतना कैपिटल है? तो क्या हम उसको सभी लोग वेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास कैपिटल हमारे पास 50 हजार का है, हमें अगर 5 हजार का प्रॉफिट हो रहा है या फिर 3 हजार का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हमें बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बुक कर लेना चाहिए सर, बुक करना चाहिए या ट्रेल ट्रेल बिल्कुल। करना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। हाँ, या तो बुक या फिर ट्रेल, बाकी ट्रेल कैसे करना है हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं करने आया हूँ। हमारे पास एक मेंबर ना ज्वाइन हुए थे वो ट्विटर से, ठीक है, मेरी उनसे पर्सनली बात भी हुई थी, तो उनको मैंने सजेस्ट किया था ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो उनसे उनको मैंने बोला था ऑप्शन सेलिंग के लिए। लेकिन उन्होंने, अब वही है ना, सारा तो कुछ कॉम्बाइंड है उसके अंदर, मतलब सेलिंग भी है, बाइंग भी है और कैश ट्रेड भी है। तो उन्होंने एक ट्रेड लिया था जील का, तो जील का हमने ट्रेड दिया था, उसकी करंट मार्केट हमने दिया था 11.80 या फिर 12.20 के आसपास दिया था, 2 हजार का उसका लॉट साइज था। 3,000 का वो है सर, ट्रेड ना लगभग 18.5 के आसपास गया हुआ था वो, तो 3,000 लगभग का लगभग लॉट। हमें 5 से 6 रुपए का मूव मिल गया था। तो 5 से 6 रुपए का मूव मिलने का मतलब हमें कम से कम 11 या 12 हजार का प्रॉफिट हो रहा था। तो 11-12 हजार से प्रॉफिट जब हो रहा था, तो उन्होंने बुक नहीं किया। उसके बाद वो नीचे आया, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, उन्होंने हमें कोई मैसेज नहीं किया, ठीक है। ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब हर एक कोई एक दूसरे की गलती से सीखता है। उन्होंने वहां प्रॉफिट को बुक नहीं किया, उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। अगले दिन दोबारा से वही स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। उसके अगले दिन क्या हुआ, वो LIC हाउसिंग वहां से 13% गैप डाउन खुला, ठीक है। तो वो जो लॉस था वो सीधा मतलब 11-12 हजार के प्रॉफिट से वो लॉस कन्वर्ट, मतलब वो लॉस जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया 27,500 के आसपास से। बाप रे, तो क्या ये ट्रेड लेना सही था? तो मतलब यही है कि अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना, तभी आप एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। बाकी जिनके पास रिस्क नहीं लेना है, पहले तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी के पास कैपिटल कम है ना, तो हर एक ट्रेड से अपने हिसाब से कुछ कुछ निकालते जाओ। जब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके पास मतलब मार्केट में सर्वाइव करने के लायक या फिर 2-3 स्टॉप लॉस लेने के लायक आपके पास कैपिटल हो जाए ना, फिर आप टारगेट का वेट कीजिए। क्योंकि मैं हर एक ट्रेड का ना टारगेट नहीं देता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है ना कि इसके अंदर टारगेट मिल सकता है, तो मैं टारगेट मेंशन करता हूँ। और कई ट्रेड के लिए तो मैं कितनी बार मैसेज करता हूँ कि इसका ये टारगेट होगा, इसको इससे पहले नहीं बेचना है। ओके तो ये इसके अंदर हो गया। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मेरे पास ना 1 लाख है,
मैं आपके पास आऊंगा तो महीने का कितना बनवा दोगे? तो ये तो कोई सेंस नहीं है कि मैं एक बिजनेस की तरह लोगे आप इसको, तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर ऐसा मैं बनवाने लग गया तो हर एक लोग मेरे पास आएंगे, फिर मेरे पास तो लगभग 50 लोगों की टीम रखनी पड़ जाएगी कि इतने मेंबर्स को हैंडल करना है। तो मैं आपको एक बस गाइड कर सकता हूँ कि किससे आपसे बुकिंग करनी है, और जैसे मैं लिखूँ ना कि हाँ मतलब सेफ ट्रेडर कैन बुक, तो जिनके पास कम कैपिटल है वो लोग ना मतलब बिना सोचे समझे उसको बुक कीजिए या फिर ट्रेल कीजिए। ट्रेल करने का ये होता है कि अगर आपके पास 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 4,000 से कम मुझे लेके नहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अगर जिसको लग रहा है कि मैं और बढ़ा लूंगा लेकिन मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है स्टॉप लॉस को अपने कर जहाँ पे उन्होंने बाय कर रखा है वहां पे वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर नीचे करती है तो अगर वो स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है ना, तो अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा उसके अंदर। अब जो हमारे कुछ पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा लेने के लिए ज्यादा खोने की भी मतलब आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसके पास 30,000 कैपिटल है वो क्या रिस्क ले सकते हैं? अगर कोई मेरे पास आता है मेरे से बोलता है कि मेरे पास 30,000 का कैपिटल है, तो क्या वो बड़ा रिस्क ले सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट। रिस्क लेने का एक रेशो रहता है हर किसी का। कोई 1,000 का ले सकता है, कोई 5,000 का ले सकता है, वो अपने ऊपर है हाँ कि बिल्कुल कोई बिल्कुल के कोई हिसाब से। कितना रिस्क ले सकता है। हाँ सर, मैं तो वो ये मानता आपको हूँ कैपिटल का 1% गवाने का रखो और 3% लेने का रखो। 2% में बिल्कुल लिया तो बिल्कुल बहुत है। हाँ, वो भी बहुत है। हाँ आज बड़ी हाँ बड़ी कंपनियां हैं सर, दिन का मतलब 1-1, 2-2% पे काम करती है, तो अपन को तो मार्केट 5-5, 7-7% दे भी देता है और अपन उठाते नहीं है, तो वो गलत है सर। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एलआईसी हाउसिंग का, वो सेम वही एग्जांपल है ना, कि आपको वो ऑप्शन अगर 12,000 दे रहा है वहां से आप लोग 27,000 का लॉस बुक कर रहे हो, तो वो तो गलत फिर बात है सर। कैसे ट्रेडिंग? तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिनके पास 30,000 ही कैपिटल है वो सिर्फ ट्रेडिंग ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी, पहले तो हम लोग जो ट्रेड देते हैं ना उसके अंदर साफ साफ मेंशन होता है कि करंट मार्केट प्राइस ये चल रही है, स्टॉप लॉस ये है, तो आपको वहां मैच करना होगा कि अगर ये स्टॉप लॉस होता है ना तो मेरा लॉस कितना होगा और क्या मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपका कैपिटल साइज आपको पता है, क्योंकि मैं जब पेड मेंबरशिप लेता हूँ या फिर जो भी मैं डिटेल मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, तो मैं कभी उनसे ये नहीं पूछता कि आपका कैपिटल क्या है। लेकिन अब मैं पूछने लग गया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंटरेस्टेड होने लगे हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग में मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा बन रहा है और उसके अंदर मतलब रिस्क भी बहुत कम है, तो मैं पूछने लग गया हूँ। लेकिन मेरे को ज्यादातर लोगों का ये नहीं पता होता कि कैपिटल क्या है उनका, तो उसका उनका जो रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो तो उन्हीं को पता है, तो ये उन्हीं को डिसाइड करना होगा कि वो कितने तक का रिस्क ले सकते हैं उसके अंदर। तो एक बार ना करंट मार्केट प्राइस से और स्टॉप लॉस का मैच जरूर करना चाहिए, और अगर टारगेट आपको दिख रहे हैं ना कि इसके अंदर पैसा बन सकता है, तो उसका जो है ना नेगेटिव भी हमें जरूर सोचना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हुआ तो हमें कितने का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो वो तो आपको अपना रिस्क मतलब डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ तक रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो सबसे ज्यादा जो सेफ होगा, सबसे ज्यादा सेफ मतलब किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जो सेफ ट्रेडिंग होती है वो होती है कैश ट्रेडिंग। कैश से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ओके और उसके अंदर ट्रेडिंग टाइप भी होते हैं। अब जैसे ट्रेडिंग टाइप ये होते हैं कि उसमें एक तो होता है, कई लोग इंट्राडे करते हैं, कई लोग उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, कई पोजिशनल रखते हैं, और कई लोग उसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, वो वीकली या फिर मैक्सिमम मतलब एक मंथ के अंदर हमारा टारगेट जो है अचीव हो जाता है।
तो ये हमारा हो गया इस ट्रेडिंग टाइप का। तो जो मतलब स्मॉल ट्रेडर है या फिर जिनकी कैपिटल 10,000 है, 15,000 है और 20,000 भी है, तो उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग ऑप्शन में ना आए, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपके पास 20,000 भी कैपिटल है तो अगर उसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी होता है ना, तो आपका आप फिर मार्केट में कैश ट्रेड के अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वो पहले से अगर ट्रेडिंग अगर कैश में करे तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। ठीक है, अब है मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए। ये सारे सवाल मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या सवाल चल रहे होंगे, तो वही सवाल है आपके पास में जो भी मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। मिनिमम कैपिटल क्या होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग 20,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं और 5 लाख से भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, अभी लास्ट ना एक हफ्ते पहले मेरे पास किन्हीं का मैसेज आया था कि मेरा जो कैपिटल साइज है वो है 16,000 रुपये, तो क्या मैं आपका पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उनके ज्वाइन करने का मोटो सिर्फ यही है कि मेरे को पेड मतलब पेड मेंबरशिप के अंदर आते ही मुझे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप लॉस भी होते हैं और हर एक जगह होते हैं। मैं सिर्फ बड़ाई नहीं करूंगा कि मैं इतना कमा दूंगा उतना कमा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसके अंदर स्टॉप लॉस ना होता हो। बस ये मैनेज करना होता है कि हमें स्टॉप लॉस कम करवाना है और प्रॉफिट ज्यादा करवाना है। तो अगर उनका 16,000 का कैपिटल है, तो अगर उसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी होता है ना, और एक स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम होगा तो 2,500 से 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मान लीजिए अगर 4,000 का स्टॉप लॉस होता है, उनकी कैपिटल हो जाएगी 12,000 रुपये, तो वो बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं है। तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करें, और कैश में कैसे बाइंग करना है वो भी हम लोग पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब बात आती है, और दूसरी बात, अगर आपके पास 30,000 का कैपिटल है, फिर आप लोग अगर किसी के प्राइम ज्वाइन करते हो या फिर कोई ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर किसी के एक्यूरेसी अगर 85% भी है, तो अगर वो 10 ट्रेड देता है तो 8 ट्रेड चलेंगे, 2 ट्रेड नहीं चलेंगे, और ये सभी के साथ होगा चाहे वो कोई भी हो। डिपेंड करता है कि वो कितना कब बुक करवाता है और कितनी जल्दी मतलब वो एग्जिट करवाता है। तो अगर आपके पास कैपिटल 30,000 रुपये का है और आप किसी के पेड मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, तो उसके अंदर बाय चांस अगर आपने पहला ट्रेड ही लिया है, वही अगर उसमें आप फंसे पड़े हो, और उसके बाद दूसरा ट्रेड अगर वो कोई देता है, वो दूसरा ट्रेड वहां से चल पड़ा, मतलब वो उड़ गया, उसको पकड़ने के लिए कुछ है बचा ही नहीं है उसको, तो और बाय चांस जिस ट्रेड में आप फंसे हुए हो अगर वो स्टॉप लॉस फिट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उस ट्रेडर को दोष दोगे कि इसने मेरा लॉस करवा दिया। लेकिन जो बाकी जो उसी मेंबरशिप में जो मेंबर्स हैं, अगर वो प्रॉफिट में जा रहे हैं उस मेंबरशिप में रहने के बाद, तो उनका क्या है, उनके पास थोड़ा अच्छा खासा कैपिटल भी है जिससे वो क्या कर रहे हैं, 2 ट्रेड ले पा रहे हैं। तो अगर बाय चांस अगर एक ट्रेड अगर फंस जाता है, वो लोग दूसरे ट्रेड में पैसे निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, मतलब जितना अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, आप 3 ऑप्शन ले रहे हो, एक में अगर फंस भी गए ना, 2 ट्रेड में अच्छा खासा पैसे बन जाएंगे, एक का स्टॉप लॉस निकल जाएंगे और अच्छे खासे आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे। तो 30,000 मतलब यहाँ पे ये सोच के नहीं आना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो कि हमें आते ही जो भी हमने छुआ वो सोना बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके पास। फिर हम लोग आते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए क्या कैपिटल होनी चाहिए हमारे पास। तो एक मेंबर है जिनका मैं भेजता रहता हूँ, जिनका स्क्रीनशॉट है, मैंने शायद हमारे जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उस पर भी हमने शेयर किया था, और जो ब्लैक कलर का उनका आता है ना वो स्क्रीनशॉट जो मैं लिखता हूँ, झुकेगा नहीं ये सब। तो उसके अंदर जो उनका जो प्रॉफिट है ना वो है 27,000, 28,000, 30,000, और मैं उसमें हैशटैग लगाता भी हूँ ऑप्शन सेलिंग का। वो कैपिटल यूज करते हैं 9 लाख रुपए। ठीक है, और ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता जिसमें वो प्रॉफिट में नहीं जाते हों। मतलब मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप मेरे साथ 1 महीने हो और प्रॉपर हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो ना, पूरा पैसा बनना है आप। ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे भी है मेरे पास जो कि परसेंटेज पे काम करते हैं मेरे साथ सेलिंग के अंदर। ठीक है, अगर अब परसेंटेज पे काम करने से क्या होता है कि अगर आपको उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो एक एक चीज मेरे साथ डिस्कस करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बुक भी करते हैं। ये नहीं कि अगर मैंने बोला है कि आपको 10 पे बुक करना है तो 10 ही पे बुक करना है, कुछ खुद का भी होता है कि हाँ मेरा इतना ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं वेट करना चाहता, इतना प्रॉफिट मेरे लिए ठीक है, तो लोग उतने पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है पर्सनल से, ये हो जाता है कि मतलब कुछ ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है उनको। तो सेलिंग के अंदर क्या है,
कुछ ऐसी सेलिंग होती है वो हम लोग 80,000 के अंदर भी सेलिंग कर सकते हैं, कुछ सेलिंग होती है उसके अंदर 2.5 लाख भी लगते हैं, और कुछ सेलिंग होती है जिसके अंदर आपको 1.5 लाख लग रहे हैं ना, लेकिन उसको हम ऊपर नीचे करके उसको हम लोग 1,20,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 लाख रुपये 2 लाख अगर लग रहे हैं किसी ऑप्शन को सेल करने के लिए, उसको हम 1,20,000 के अंदर भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको पहले हमें मैसेज करना पड़ेगा कि हमें ये सेल करना मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, मेरे पास इतना कैपिटल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको ट्रेड बना के देंगे उसी के अंदर आपको। लेकिन क्या है, मेरे पास कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, और जो हम आपको ट्रेड बना के देंगे तो उसमें आपको एक में तो प्रॉपर प्रॉफिट होगा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और दूसरे में कुछ परसेंटेज का लॉस लेना पड़ेगा जो कि बहुत मतलब रेयर होगा, मतलब छोटा सा लॉस होगा। तो उस लॉस को लेने से क्या होगा, आपको कम कैपिटल भी होगा ना, जैसे अगर उसके अंदर आपको 1,80,000 लग रहा है सेलिंग के अंदर, तो आपके पास अगर कैपिटल होता है 1,20,000, तो आप 1,20,000 के अंदर भी वो सेल कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है उसके अंदर, उस मार्जिन को यूज करने का तरीका। तो सेलिंग के अंदर क्या है, अगर आपके पास कैपिटल मिनिमम अगर 2 लाख भी है, तो उस 2 लाख के कैपिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने महीने के जैसे हमने अभी चल रहा है फेज, अभी 27 नवंबर चल रहा है, तो 27 नवंबर से लेके दिसंबर के 12 दिसंबर तक, 13 दिसंबर तक हम लोग डेली के कम 1,000 से 1,500 निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको कोई बैंक नहीं देने वाला, कोई एफडी नहीं देने वाला, इतना परसेंट आपको कहीं से नहीं मिलने वाला, वो भी लो रिस्क के साथ में। उसके बाद जब स्टार्ट होता है 13-14 का फेस, अगर स्टार्ट होता है महीने का, तो 13-14 से लेके 27-28 तक वो आपका 2 लाख का जो कैपिटल अभी चल रहा था, प्रॉफिट हम लोग ले रहे थे 1,000-1,500 ले रहे थे, वो आप डेली का प्रॉफिट ले सकते हो कम से कम 2,000 से 5,000 तक, या फिर 3,000 तक, और वही आप कैपिटल बढ़ाते चले जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे मैंने आपको ये लास्ट स्क्रीनशॉट भेजा था सेलिंग का, उसमें लास्ट जो भी स्क्रीनशॉट था उसमें टोटल दिखा रहा था 27,000, लेकिन वो 27,000 नहीं था, लास्ट वीक के अंदर उन्होंने लगभग 38,000 से 42,000 के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन वो इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर जो कुछ स्क्रीनशॉट होंगे ना, वो ऐसे स्क्रीनशॉट थे जो पहले से ही मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका था। अब उसकी जो हमने मान लो हमने कोई सेल करवाया 5 रुपए पे, अब वो 10 रुपए चल रहा है ना, एक सेकंड, किसी का मैसेज आया है अभी, हाँ, तो हमने कोई अगर सेल करवाया है 5 रुपए पे, अब उसकी प्राइसिंग चल रही है 50 पैसे, तो 50 पैसे कितना होगा लास्ट, 5 पैसे या 10 पैसे, तो उसको होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसको बुकिंग करना ज्यादा बेटर है, तो हमने बुक करवा दिया था उसको। तो ये है, तो उसमें जितना आपका कैपिटल होगा उसके इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो ज्यादा सेफ प्लेयर है, जो ज्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, वो टोटली ऑप्शन बाइंग को इग्नोर कीजिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं है, उसके अंदर पैसे हैं, लेकिन जो चाहते हैं मेरे को रिस्क बहुत कम लेना है, इसको एक होता है रिस्की बिजनेस वाले और एक होते हैं सेफ बिजनेस वाले। अब रिस्की बिजनेस वाले में क्या है, पैसा बहुत बनेगा उसके अंदर। अब जैसे दिवाली आया, उसमें क्या है, हमने पटाखे की रेडी लगा दी, तो पैसा उसके अंदर बहुत बनेगा, लेकिन उसमें क्या है, अगर पुलिस वाले ने वहां पे रेड मार दी, बस आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, वो पूरा सारा कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। एक होते हैं सेफ वाले, उसमें क्या करेंगे, जो दिवाली में जो दूसरे बिजनेसमैन है वो डेकोरेशन का सारा सामान लगा देंगे, उसमें प्रॉफिट कम होगा लेकिन उसके अंदर रिस्क बहुत कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के अंदर भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अभी किसी ने कुछ पूछने की कोशिश की, हाँ बोलिए। महेश बात कर रहा हूँ अभी। जैसे आप कोई ऑप्शन का कॉल देते हैं हमको, ठीक है, अगर एग्जांपल एक कॉल है जो 20 रुपए से लेना है, ठीक है, जब हम ऐड करते हैं तब वो 21 या 22 रुपए चला जाता है, ठीक है, तो एक या दो पॉइंट आगे से लेना बेहतर है या वेट करना जरूरी। इसका भी सवाल मैं आपको अभी मैं लास्ट में दूंगा, ये सारे मेरे को पता है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोग ना पहले मैं अपने पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अपने जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्योर सर, या हाँ,
तो ये सेलिंग आपको समझ में आ गया कि कुछ और फिर मतलब ब्रीफ में बताऊंगा, आप सभी से पूछ रहा हूं मैं। अंडरस्टूड सर। मैं आप सभी से बोल रहा हूं सेलिंग में बहुत पैसा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि सेलिंग में आना है ना तो गारंटीड आपको पैसे बनने वाले हैं, और किसी मेंबर के पास नहीं जाना, सिर्फ मेरे पास ही आओ, क्योंकि सच बोल रहा हूं पैसे बहुत उसके अंदर है सेलिंग के अंदर। तो इसलिए मैं उसके अंदर बार बार लिखता हूं कि गारंटीड पैसे इसके अंदर बनेंगे। और सेलिंग के लिए अभी भी कोई डाउट है, मैंने सेशन सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि कई मेंबर्स का मैसेज आया था, उनको सेलिंग का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो वो बोल रहे थे आपने ये सेलिंग करने के लिए बोला था, इसकी प्राइस 5 चल रही थी, इसका लॉट साइज 25 है, तो इसको इतने इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पैसे लगने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर ये 1,25,000 मांग रहा है, ये कैसे मांग रहा है। तो क्या होता है जब हम लोग सेलिंग करते हैं ना, तो हम जो है वो इंश्योरर हो जाते हैं, मतलब जो हम बाइक के जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो उसको हमें एक महीने का पे करना पड़ता है 1100-1500, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम लोग वो कंपनी का ही मतलब मेंबर बन जाए, तो हमें कंपनी को जो पूरा, तो अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस लेने आएगा, कोई बाइक का इंश्योरेंस लेने आएगा ना, तो हमें वही इंश्योरेंस हमें उस बंदे को कितने में पे करना पड़ेगा, 55,000 में, 80,000 में, जो उसकी बाइक की वैल्यू होगी। तो ये उसी तरीके से ये ऑप्शन सेलिंग है, हम लोग किसी के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी जो बाइंग है वो हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, वो एक्सचेंज को हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे उसके अंदर। तो सेलिंग में ये है, तो ये काफी ज्यादा सेफर होता है। जो भी कोई डाउट होगा ऑप्शन सेलिंग को लेकर, तो आप फिर इसके एंड में हमसे सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका जो अगला जो क्वेश्चन है, वो जो आपके मतलब ये होने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट ऑफ जो ऑप्शन बाइंग है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की जो बेनिफिट क्या होती है, अगर आपके पास 30,000 कैपिटल है, आपने कोई ऑप्शन बाय किया, आपने बाय किया 20 पे, वो ऑप्शन जो है वो 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक पेड में दिया था, नौकरी की पुट दी थी, वो 94 के आसपास दी थी, वो 470 के आसपास गई है, वो तो वो लगभग 4-5 गुना वो हो गया। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होगा, आप लोग 20,000 से 1,00,000 भी बना सकते हैं, 2,00,000 भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बाइंग के, अगर आपने कोई शेयर बाय कर रखा है, अगर वो आपके डायरेक्शन में कुछ दिनों के अंदर चला गया, तब तो आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप प्रॉफिट में नहीं होते हैं, तो उसके अंदर क्या है, अगर वो कुछ दिनों के अंदर आपके डायरेक्शन में जाता है, फिर तो आप प्रॉफिट में होंगे। अगर वो नहीं जाता है, तो वो धीरे धीरे वो टाइम वैल्यू खा के हमारा लॉस होने लग जाएगा। लेकिन उसके अंदर यही हमारा बेनिफिट है कि कम पैसे में उसके अंदर हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बस ये हमारा उसके अंदर बेनिफिट है, ठीक है। सेलिंग के मैं आपको बताता हूँ उसके जो फायदे हैं, ये हैं, आपको उसके अंदर लॉस की मतलब कम उसके अंदर चांस रहते हैं, और आपको प्रॉफिट मतलब रेगुलर मिलता रहेगा। जो आप एफडी करवाते हैं आपको मिलेगा मैक्सिमम 6-7%, कहीं आप किसी को ब्याज पे देते हैं आपको 10% मिलेगा। इसके अंदर डेली का आपको अगर 2,000 का कैपिटल है, 2,00,000 का या फिर 1,50,000 का आपके पास कैपिटल है, तो डेली का आप यहाँ से 1,000-1,500 बुक कर सकते हैं। और वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिड मंथ में आप वही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2,500 और 3,000 के आसपास 2,00,000 के कैपिटल से। और अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये तो हमारी हो गई उसके बेनिफिट। अब इसके ऑप्शन सेलिंग का जो मतलब जो लॉ मतलब जो हमारे हम कह सकते हैं बेनिफिट का उल्टा जो भी आप कर लो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो उसका हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होगा, अगर आपने कोई ऑप्शन अगर 10 रुपए का मतलब ये सेल कर रखा है, तो वो लास्ट कितना जाएगा, 0.05, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको जो भी उसके अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा, वो सिर्फ वही मिलने वाला है 9 रुपए का या फिर 8 रुपए का, जो भी वही प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं 10 रुपए का,
तो 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, लेकिन सेलिंग के अंदर क्या है, वो जो लिमिटेड होता है उसके अंदर हम बंधे हुए होते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है, ये हमारा उसका एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाँ, जो स्मॉल ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल कम है वो किस टाइप की ट्रेड ले सकते हैं। तो स्मॉल ट्रेडर के लिए यही सजेशन है, जो हीरो टू जीरो ट्रेड होते हैं उसको इग्नोर करें साफ साफ, अगर कैपिटल कम है तो सिर्फ कैश में ट्रेडिंग लें। कई में इसके अंदर ज्वाइन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है वो ज्यादातर ध्यान देते हैं हीरो टू जीरो पे, क्योंकि हीरो टू जीरो आजकल ज्यादा ही चलने लग गई है, मैं जो ग्रुप में देने लग गया हूँ, लेकिन उस पे साफ साफ जो रूल बेस्ड ट्रेडर है ना, जिनको पता है कि मेरी लिमिटेशन इतनी है, वो बिल्कुल जीरो टू हीरो ट्रेड को इग्नोर करें। अगर कैपिटल ऑप्शन लेने लायक नहीं है, अगर इतनी कैपिटल नहीं है कि अगर एक स्टॉप लॉस हो गई तो आप मार्केट में दोबारा सर्वाइव कर पाओगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए, कैश में ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे पैसा बनेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय एक बार में सारा कुछ गंवा दो। तो ये है हमारी, उसके बाद उन मेंबर्स के लिए ये मेरी सजेशन है जिनके पास कैपिटल कम है, मतलब स्मॉल ट्रेडर है, उनके लिए मेरी ये सजेशन है, जो भी ट्रेड आती है आपको क्या करना है, उसके अंदर करंट मार्केट प्राइस और स्टॉप लॉस के प्राइस को बीच का जो गैप है उसको आपको चेक करना है। अगर वो ज्यादा लग रहा है और लॉट साइज भी अगर ज्यादा है तो उसको क्या है, उस ट्रेड को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूरे दिन के अंदर आपको एक ट्रेड दे दूंगा बस हो गया मेरा काम। मैं दिन भर मार्केट के अंदर लगा रहता हूँ, ठीक है, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं कुछ महीनों के अंदर, और हो सकता है 2025 से, सॉरी हाँ 2024 से, और 2023 में भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे साथ, अगर हम हमारे साथ एड ऑन रहते हैं और कुछ हमारे जो रूल हमने आपके साथ शेयर कर रखे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो इसको माइंड में रख के चलिएगा, जो मैंने आपके साथ स्मॉल ट्रेडर के लिए बताए हैं। स्मॉल ट्रेडर और क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को निकालते चले, जैसे मैंने आपको बताया अभी मतलब मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक मैंने लॉरेंस लैब का एक कॉल दिया था 4 रुपए कुछ के आसपास का, और एक दिया था 7 रुपए या फिर 8 रुपए कुछ के आसपास का, उसके अंदर जो मूव आया था, जो 4 वाले में मूव आया था लगभग 80 या 1 रुपए 10 पैसे का, और जो 7-8 के आसपास दिया था उसमें मूव आया था 2 रुपए के आसपास का मूव आया था, उसको मैंने एग्जिट करवा दिया था, मुझे लग रहा था इसमें ज्यादा मूव नहीं आ सकता है, बाद में भले ही 5 दिन बाद मार्केट रॉकेट हो गई, वो अच्छा खासा मूव में चला गया, लेकिन मुझे लग रहा था इसके अंदर मूव नहीं आ सकता है, मैंने उस दिन एग्जिट करवा दिया। तो एग्जिट करवाने में उसमें जो लॉस बंदों का हुआ होगा वो मैक्सिमम लॉस हुआ होगा 800 से लेकर 1000 रुपए का, लेकिन उसके अंदर भी एक मेंबर्स का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, उसके अंदर भी उन्होंने पता नहीं 500 या फिर 800 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। तो ये मैं उसमें अपने रिसर्च को मैं बिल्कुल भी मैं ये फेवर नहीं लूंगा कि मैंने उनका प्रॉफिट करवाया, ये उनका माइंडसेट था, उनको पता था कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ और कितना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है, तो वो उन्होंने उतना प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग ट्रेलिंग करते हुए प्रॉफिट लिया, तो उनको मैंने अप्रिसिएट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि यू आर डूइंग सुपर। तो ऐसे लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय छोटे छोटे प्रॉफिट होना चाहिए, बस एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतना कैपिटल हो जाएगा ना कि आप 2 स्टॉप लॉस भी होता है आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी, और बड़े बड़े टारगेट लेने के लिए आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े टारगेट के चक्कर में जो आपको 5000 मिल रहा है 3000 मिल रहा है ना उसको आप गवा दो, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रेड आएंगे जिसको मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि इसको होल्ड कीजिए, उसमें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो स्मॉल ट्रेडर है बिल्कुल भी मेरे बातों को भरोसा ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको अगर लॉस होगा तो मैं आपको पेटीएम नहीं करने वाला हूँ कि भाई आपका 3000 का लॉस हो गया अभी ये लो पेटीएम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर जो वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है, उसके बाद ही आगे कुछ करना है। तो स्मॉल ट्रेडर से मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनको पहले अपने कैपिटल को सेव करने पे फोकस करना है, बाकी उसके बाद जो होगा वो साथ में मिलके करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारी हो गई मतलब स्मॉल ट्रेडर के लिए जो हमारा था, हाँ ठीक है। अब है ट्रेलिंग ट्रिक, हम लोग
ट्रेल कैसे कर सकते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर ना ऐसे ऐसे मेंबर भी हैं, अगर कोई जीरो टू हीरो ट्रेड दे दो ना तो वो लगभग 5-5 लोट 10-10 लोट लेके बैठ जाते हैं। अब बाद में जब मुझे पता चलता है ना कि इनके पास 5 लोट है तो उनसे ज्यादा टेंशन मुझे हो जाती है, फिर रातों को मेरे को नींद नहीं आती, फिर मैं अमेरिका के मार्केट ढूंढता चलता हूँ कि ये यहाँ से रिकवरी आ जाएगी, यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको वजह से मुझे टेंशन हो जाती है, फिर रात भर मैं अपने मेंबर को मैसेज करता हूँ, भाई ये इतना हो गया, अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, ठीक है? ऐसे नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ग्रुप के अंदर ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ट्रेड मेंबर के अंदर भी ना कई लोगों ने ऐसे ऐसे, मतलब किसी को मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, फील्ड में बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो एक दिन के अंदर एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड दे देते हैं, बस बहुत है, ठीक है? हम आपको 4 से 5 ट्रेड देते हैं एक दिन के, ये मेंबर्स हैं, इनको सब कुछ पता होगा, मैं कुछ यहाँ पे हाइड नहीं कर रहा। उसके बाद ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं होगा फ्री में जो कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, मतलब दिन के 2-2, 3-3 ट्रेड देता हो। मैं देता हूँ आपको वो सारे ट्रेड प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अब निकल जाओ, अब यहाँ बुक कर लो, ये ऐसा कोई भी फ्री चैनल नहीं होता है। मैक्सिमम चैनल में साफ साफ मेंशन होता है स्टॉप लॉस लेना है तो पेड में आओ, ठीक है? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, हमने किसी को फोर्स नहीं किया आपको पेड में आना है। पेड में यह है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, वो आपको कब निकलना है, ठीक है? तो मतलब पेड की तो बात आपको पता है ना कि मतलब पेड में जो है वो थोड़ा आपको एडिशनल मिल जाता है आपको, ठीक है? ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए। अब जैसे किसी ने मान लीजिए 5 लॉट बाय कर रखा है तो उसमें क्या है, आपको धीरे धीरे अगर आप कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लग गया तो आप हाफ क्वांटिटी को वहां बुक कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ा और के लिए, ठीक है? ना कि हम लोग अगर 5 क्वांटिटी हमने बाय कर 5 लॉट बाय कर रखा है 10 के लेवल पे, अगर वो 15 जाता है कुछ क्वांटिटी आप लोग 13 पे बुक कर लीजिए, 12 पे बुक कर लीजिए जो भी है, और बाकी क्वांटिटी को 20 के लिए या फिर 18 के लिए होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप सारे मतलब लॉट्स को अगर आप 20 के लेवल के लिए होल्ड करेंगे और बाई चांस वहां से अगर नीचे आ जाता है ना 8 पे, तो आपको जो एक टाइम पे 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था वो आपको लगभग 5 से 7,000 का लॉस दिखाएगा। तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये मार्केट में आपको सर्वाइव नहीं करने देगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं। किसी मेंबर का इसमें मैसेज आया था, उन्होंने कुछ मैसेज किया था कि सर MMTC बाय कर रखा है, MMTC बाय कर रखा है होल्डिंग एट 49, ठीक है? तो MMTC शायद मैंने भी दिया था, ध्यान नहीं मुझे कितने पे दिया था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए था। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय मैं आपको अभी बताऊंगा BHEL के अंदर कैसे बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है? लेकिन पहले आपको मतलब डिफाइन करना पड़ेगा अपने कैपिटल को। एक मेंबर हमारे पेड में ऐड हुए थे, वो अभी भी ऐड है, वो लगभग 3 मंथ के लिए ऐड हुए थे, उनका मेरे पास मैसेज आया था कि उनका जो कैपिटल साइज है वो है 5 लाख का, ठीक है? जिसमें से 3 लाख उनका ऑप्शन के लिए है और 2 लाख है वो है कैश ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कितना कैपिटल कैश के लिए है और कितना कैपिटल ऑप्शन के लिए है, और ये फिक्स होने चाहिए हर एक ट्रेडर के कि इतना ही मैं मतलब इतना कैपिटल मैं इसके अंदर यूज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक रूल बना के चलना पड़ेगा आपको भी और एक रूल बना के चलना पड़ेगा हमें भी, तो उससे क्या होगा, सारा जो भी हम ट्रेडिंग है वो सारा क्लियर रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो पैसे बनाने हैं वो सारा आपका कैपिटल ही करके देगा। तो ऑप्शन जो ये इन्वेस्टमेंट में कैसे बाइंग करनी है उसकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, हम लोग अभी ये BHEL का एग्जांपल लेंगे, वहां हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब आता है अगला कि हम लोग कैसे बुकिंग कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी ये महेश जी ने शायद पूछा था इसके बारे में, इसका आंसर अभी इनको मिल जाएगा इसके अंदर। अब जैसे कोई ट्रेड हमें लेना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, मैंने कोई HDFC बैंक का कोई मैंने XYZ पुट दिया 20 रुपए पे, लेकिन ऐसा कुछ होता है जैसे मैं दू ना वो रॉकेट बन जाता है, कोई कोई वो 23 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, तो आपको उछलना उसमें जंप नहीं मारना है उसके अंदर। अब उसमें क्या कर सकते हैं, मैंने पहले कई बार मतलब लिख रखा है और जो मैं वीडियो एक शेयर करता हूँ यूट्यूब का कि हाउ टू टेक आवर ट्रेड, उसके अंदर भी शेयर करता हूँ कि मैक्सिमम अपना 500 का रिस्क ले सकते हैं। अगर मैं कोई ट्रेड अगर 20 पे देता हूँ, अगर वो 21 होता है, लॉट साइज अगर 500 है 600 है, आप लोग उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 20 वाला ट्रेड अगर 25 हो गया ना, तो आपको वो ट्रेड इग्नोर करना है, उन ट्रेडों को नहीं लेना है, क्योंकि
ऑलरेडी है उसके अंदर लगभग 2500 रुपए बन चुके हैं लोगों के, या फिर जो मैंने दिया था वो ऊपर जा चुका है। तो जहां आपको 2500 प्रॉफिट होना था उस ट्रेड को लेने के बाद, वो आप प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट तो आपको नहीं हो पाया, लेकिन 2500 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो कि 2500 प्रॉफिट अच्छा खासा होता है एक दिन के इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो उन ट्रेड को इग्नोर करना है, लेकिन मैक्सिमम 500 से 700 का रिस्क आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो शेयर होते हैं जैसे पेड के अंदर होते हैं, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि क्या इन ट्रेड को हम दोबारा ले सकते हैं, मतलब इस ट्रेड को अभी भी ले सकते हैं, तो उनको एक बार वो मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद उस ट्रेड को ले सकते हैं। हम उसके अंदर जो भी उसकी गाइडेंस होगी, जो कब एंट्री लेना है वो हम आपको डिस्कस कर दिया करेंगे उसके अंदर। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बाइंग के लिए। बुकिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं, अगर उनको 2000 दिख रहा है, या तो ट्रेलिंग स्टार्ट कर दें या फिर बुकिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है उसको ट्रिपल एक्स के लिए, 4x के लिए हम उसको होल्ड करके रख के चलें। अगर मैं कोई जीरो टू हीरो कोई ट्रेड देता हूं, पहली बात तो स्मॉल ट्रेडर्स को जीरो टू हीरो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, और बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं टारगेट में चिल्ला चिल्ला के बोलूँ ना कि इसका टारगेट भाई 5x है 6x है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है मेरी बात को। ये मैंने पेड के अंदर अपने गाइडलाइंस के अंदर भी डाल रखा है कि अगर मैं कितनी बार भी तुम्हें लिख के भी दूं ना एक पेपर पे कि ये हमारा टारगेट है, मैंने 10 का दिया है, 20 टारगेट है, बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुनना है। 12 मतलब 14-15 जाए, बुक मार दो या ट्रेल मार लो, क्योंकि अगर लॉस होगा तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्केट में फिर आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा अच्छा है कि अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे मैनेज करो और मार्केट में सर्वाइव करो, क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा है, अगर कैपिटल रहेगा तब आपके पैसे बनेंगे। तो ये तो हमारी हो गई ये ट्रेड लेने के तरीके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश में, कि कैश में हम ट्रेड कैसे ले वो और उसकी बुकिंग कैसे करें। तो हमारे जो है ना दो मेंबरशिप चलते हैं, एक कैश में चलते हैं और एक पेड वो ऑप्शन के लिए चलते हैं, सेलिंग बाइंग दोनों के लिए। तो और मैं टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम कैश में ट्रेड ले रहे हैं, अगर हमने 100 क्वांटिटी लिया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 क्वांटिटी को फर्स्ट टारगेट पे हम लोग बुक कर सकते हैं, और बाकी के जो 50 जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, बाकी जो 50 क्वांटिटी हमारी बच गई, उसको हम लोग टारगेट सेकेंड और थर्ड के लिए वेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर हमारा जो टारगेट फर्स्ट वाला हमारा अचीव हो चुका है, हमने उसे उसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट कमा ली है, उसके अंदर क्या होगा, अगर बाई चांस अगर हमारा सेकंड टारगेट अचीव नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बाकी हमारे सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए हमने 50 क्वांटिटी होल्ड कर रखी थी, उसके लिए भी हम लोग पास एक नई ट्रिक है। जो आपकी बाइंग प्राइस है ना, वहां पे आप लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, 50 क्वांटिटी में तो आपने प्रॉफिट बुक कर ही लिया था, लेकिन जो 50 क्वांटिटी है उसके अंदर एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट नहीं निकल पाओगे तो लॉस भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जो अपने 50 में जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बुक कर सकते हो। और जो सेफ ट्रेडर है, पहला टारगेट पूरा हो आपको वहां से एग्जिट मार देना है, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ और पहले ही बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग पेड को ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम लोग कैश ट्रेड के अंदर मतलब कैश ग्रुप के अंदर ऑप्शन देना ही छोड़ दें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ कोई कॉल, वो तो अच्छी खासी रॉकेट बन जाती है, लेकिन पेड के अंदर मैंने कोई एक ऑप्शन दिया वो नहीं चलता है। उस दिन मुझे लगता है कि लोग मेरे से यही बोलेंगे कि फ्री वाले तो सारे ट्रेड चला रहा है लेकिन पेड वाले नहीं चला रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ऐसा किसी पास कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि उसे पता हो कि भैया ये वाली ट्रेड चलने वाली है और ये वाली ट्रेड नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कैश की, तो ये हमारी ये डाउट भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हर एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में नया आना चाहता है या फिर मार्केट में पहले से ही है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। मार्केट के अंदर वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, मार्केट में वही पैसा आपको लेके आना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कि आपको किसी की कमेटी भरनी है,
तो आपने सोचा कि चलो ये मार्केट में लगा देता हूँ, स्टॉक गुरुकुल वाला क्या करेगा 15 दिन में पैसा डबल करवा देगा, ठीक है, तो पैसा मार्केट के लिए भी बच जाएगा और कमेटी जो भरनी थी उसके लिए पैसे आ जाएंगे, तो यहीं से पैसे निकाल के दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मार्केट में सिर्फ वही पैसे आपको लगाने हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा हो, अगर उसमें से कुछ लॉस भी हो जाए तो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, सिर्फ वही आपको पैसे लगाने हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ट्रेड एक दिन में कितने लेने हैं हमें, तो मैक्सिमम ट्रेड एक दिन के अंदर अपना पहले आप एक टारगेट मतलब एक ना गोल सेट करो, ये भी हमने पेड मेंबर के गाइडलाइन में दे रखा है, तो अपना अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार दोबारा आप उसको पढ़ो जाके, कि अपना एक ना गोल सेट करो कि मेरे को दिन का इतना प्रॉफिट चाहिए, 2000, 1000, 3000, 10000 उसी को प्रॉफिट हो सकता है एक दिन के अंदर जिसका कैपिटल साइज बड़ा हो, ठीक है। बाकी ये बात अलग है कि कोई ट्रेड दिया, जैसे एक बार सन फार्मा की कॉल दी थी 22 की, वो अचानक 67 चली गई और एक दिन के अंदर ही वो डबल हो गई थी, तो वो हो जाएगा, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन के अंदर पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। तो अपना एक टारगेट सेट करो कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, अगर किसी ने एक ही ऑप्शन बाय किया 2000 का प्रॉफिट हो गया, 3000 का प्रॉफिट हो गया, 1500 का प्रॉफिट हो गया, तो वो उनको अपना गोल सेट करना होगा कि इतने का प्रॉफिट हो गया, अब मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मेरा काम है ट्रेड देना, मैं एक दिन में 5 ट्रेड भी दूंगा, एक दिन में 10 ट्रेड भी दूंगा, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा अगर आज का 2000 बन गया ना, तो अब ये कोई सा भी ट्रेड दे दे मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादातर ट्रेड आपको फोकस करना है पोजिशनल ट्रेड पे, अगर पोजिशनल ट्रेड आती है उसके मतलब हाई मतलब चांस होते हैं उसको चलने के, बाकी सारी ट्रेड रिसर्च करके ही दी जाती है, लेकिन जो पोजिशनल होती है ना उसमें कुछ आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन टारगेट उसमें अच्छे खासे मिलते हैं उसके बाद, लेकिन उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बाकी ट्रेडों से बड़ा होता है, तो उसके अंदर आपका जहाँ नॉर्मल ट्रेडिंग में आपका 1500 का 2000 का लॉस होगा, उसके अंदर लगभग 3500 या 400 का 4000 का लॉस हो सकता है, लेकिन यह उसके अंदर टारगेट अच्छे मिलते हैं और उसके चलने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। यह हो गया, तो मैक्सिमम ट्रेड आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका एक दिन का लॉस भी हो गया ना अगर 2000, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चलो मेरा आज का 2000 का लॉस हो गया, मेरे को आज ट्रेड नहीं करनी है, तो ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अब सारे मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, तो अब एक लास्ट में पॉइंट बताता हूँ आपके साथ, उसके बाद हम आपके क्वेरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन सेलिंग का था ना, कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो जिनके पास अगर कैपिटल है ठीक ठाक सा, ठीक है, अगर उस ऑप्शन को मैंने बोला है कोई एक्स वाई जेड ऑप्शन मैंने बोला है आपको 10 रुपए पे सेल करना है, अब अगर उसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा, अगर आपको उसने 10 रुपए पे आपने सेल कर रखा है, तो अगर वो 8 रुपए आता है ना, तो वो जो आपने 10 पे सेल कर रखा है 8 रुपए पे आपने उसको खरीद लिया, तो ये तो बीच का जो डिफरेंस हो गया 2 पॉइंट का, 2 into जो लॉट साइज है, एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 का लॉट साइज है आपका 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे आपने कोई बाय करते हो ना, ऑप्शन को बाय करते हो 10 पे, उसको 12 पे सेल करते हो, आपको 2000 का प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी प्रॉफिट होता है, लेकिन बाइंग में क्या होता है, मार्केट आपके साथ होना चाहिए तब आपको प्रॉफिट कराएगा, या फिर सेम उसी टाइम वो रिएक्ट करना चाहिए तब प्रॉफिट होगा। लेकिन सेलिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मार्केट अगर आपका साइड नहीं भी हुआ ना, अगर मार्केट साइडवेज भी चला गया 2 दिन, टाइम वैल्यू की हमारी की प्रॉफिट मिल जाएगी, और साथ में अगर मार्केट ने गलती से आपको सपोर्ट कर दिया ना, बहुत फास्ट तरीके से आपको प्रॉफिट हो जाएगा उसके अंदर। एक सेकंड में तो इसके अंदर एक सेकंड, किसी का कोई मैसेज आया है, अच्छा एक भाई साहब ने, अच्छा महेश जी ने लॉरेंस लैब का होल्ड कर रखा था, इन्होंने आज स्क्रीनशॉट भेजा है लगभग 6000 का, गजब मैं फैन हो गया आपका। तो
हाँ तो उसके अंदर क्या है, सेलिंग में हमारे को ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर मार्केट आपके लेवल के हिसाब से अगर वो मैच नहीं करती है ना, अगर मार्केट साइडवेज जाती है 2-3 दिन, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके फेवर में चली जाती है तब बड़ा फास्ट प्रॉफिट होगा। लेकिन बाइंग में आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, एक तो आपके पास टाइम वैल्यू मिल जाता है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं वो मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्लस मार्केट उसी के अकॉर्डिंग ऊपर जानी चाहिए। अगर नहीं गई, मार्केट साइडवेज रह गई, फिर लॉस होगा, या फिर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मार्केट ने आपको सपोर्ट नहीं किया, उस फेवर में नहीं गई, फिर भी मतलब लॉस होगा। और सेलिंग क्या होता है, अगर मार्केट साइडवेज रह गई तब तो सेलर्स के लिए काफी ज्यादा फायदा है, और गलती से मार्केट ने अगर उनके फेवर में सपोर्ट कर दिया, जैसे अगर किसी ने पुट सेल कर रखा है और अगर शेयर ऊपर चला गया तब तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मार्केट साइडवेज रह गई तब तो प्रॉफिट होना है, लेकिन अगर मार्केट उनके फेवर में उनके डायरेक्शन में चली जाती है तब अच्छे खासे जल्दी से प्रॉफिट हो जाता है उसके अंदर। तो होप गाइस, मैंने जो आपके डाउट होंगे मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जरूर क्लियर हुआ होगा आपके साथ। और अब हम लोग बारी बारी से जो आपके डाउट, अब नए डाउट जो भी कुछ होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ना 3 बुलपिक है मेरे पास, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा आप मूव दे सकता है। तो इसको मैं सिर्फ पेड में नहीं दूंगा, ये आपके साथ जो भी मेंबर है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है किसी कारणवश, ठीक है। तो 3 बुलपिक है मेरे पास जो कि मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा खासा टारगेट दे सकते हैं, तो उनके लेवल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला तो ये वाला है, ये टेक्स रेल करके एक ये शेयर है जो कि गवर्नमेंट है, और इसका मैं वीकली चार्ट लेके आता हूँ पहले, ठीक है, वीकली चार्ट है यहाँ पे। ये वाला एक ना बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ठीक है, हाँ ये वाला बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इसको एक ने ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग मिली, रिटेस्ट करने आया, और फाइनली यहाँ पे दोबारा इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो टारगेट होने वाले हैं ना, वो टारगेट मेरे को पहला टारगेट तो ये वाला लग रहा है 69 का, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। 69 का मेरा पहला टारगेट, 68 69 का पहला टारगेट होगा। अगला जो टारगेट होने वाला है इसके अंदर, वो अगला टारगेट होने वाला है 75 to 77 का। उसके बाद अगला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा लगभग 95 का, और उसके बाद ये 100 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो सकता है ये शेयर, ठीक है। इसको अपने रडार पे रखिए, कुछ क्वांटिटी इसको एड ऑन कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अब जैसे मैंने बताया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसे आपको बाय करना है, जैसे आपके पास आप ना आइडेंटिफाई कीजिए कि इस शेयर में आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर 5,000 करने हैं ना, उसका फिर परसेंटेज निकालिए, आपको 40% यहाँ पे एड ऑन करना है, 40 या 50% यहाँ पे एड ऑन करना है। कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब 47 या फिर 50 के आसपास आए, तो 20% यहाँ पे एड ऑन कीजिए, ठीक है, 70% आपके पैसे लग चुके हैं, बचे 30%, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और एड ऑन कर लीजिए, ठीक है, कुछ क्या मतलब जो बाकी 30% बच रहे हैं वो यहाँ पे एड ऑन कर दीजिए। स्टॉप लॉस वीकली पे यहाँ पे रखिए क्लोजिंग बेसिस पे 39 या फिर 40 का, 39 का मतलब 39 या फिर 80 का क्लोजिंग पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। आपके 5,000 यहाँ पे खत्म हो गए, पहला करंट मार्केट प्राइस पे, दूसरा 47 के आसपास का, और जो थर्ड जो हमारी बाइंग होगी यहाँ पे होगी 42 के आसपास का। और जो काफी ज्यादा मतलब सेफर साइड के जो मेंबर होंगे ना, वो इस वाले लेवल का वेट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेयर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम बोले कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे टारगेट ये वाले होंगे, मतलब 70 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद जो हमने टारगेट यहाँ पे दिया है 80 और 84 के आसपास का अगला टारगेट होगा, और उसके बाद आपका 97, और ये 108 से 110 के आसपास का टारगेट होगा इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 2x होगा ये इन्वेस्टमेंट के टाइप में, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे आप रखना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे, और 3 पार्ट में इसको 3 टुकड़े के अंदर इसके अंदर बाय करना है, सारा पैसा यहीं नहीं लगाना है, ठीक है। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, 50% में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर नीचे आ गया तो फिर क्या होगी, आपकी एवरेज बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी। तो सारे पैसे एक बार में इन्वेस्टमेंट टाइप में आपको नहीं लगाना है,
ठीक है, जब भी मैं आपको टेलीग्राम पे ट्रेड देता हूँ उसमें लिखा होता है बाय टिल, बाय टिल का मतलब नीचे अगर आए तो यहाँ पे भी एड ऑन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो अगला शेयर है वो इक्विटास होल्डिंग का है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, बहुत बड़ा टारगेट इसके अंदर मिल सकता है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन कीजिए, कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे एड ऑन करना है 106 के आसपास का, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाइए 96 से 97 के आसपास का वीकली क्लोजिंग का, ठीक है। इसके अंदर जो टारगेट है ना, बहुत बड़े टारगेट मिलने हैं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, छोटा मोटा टारगेट मैं नहीं देने वाला है इसके अंदर। इसके अंदर जो टारगेट मेरे को लग रहा है, अगला टारगेट होगा हमारा ये वाला 135 रुपए का, ये वाला अच्छा खासा हर्डल दिख रहा है इसके अंदर मेरे को, तो इसका टारगेट होगा 135 का अगला टारगेट, ठीक है। कुछ टाइम 145 भी रुक सकता है ये, ठीक है। उसका अगला टारगेट 163, 182 और ये वाला एक बहुत अच्छा खास रेजिस्टेंस है, मतलब 189 के आसपास का, और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, लग रहा है बहुत बड़ी मूव इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये ना इसके ऊपर सस्टेन कर गया ना 144 के आसपास, अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है ना 144-150 के आसपास अगर वीकली में सस्टेन कर जाता है, तो आप बिल्कुल सरप्राइज में होना कि इसके अंदर आपको 250 और 300 के लेवल भी देख सकते हैं इसको इक्विटास होल्डिंग के अंदर। तो ये शेयर को आपको अपने रडार पर रखना है, मतलब बाइंग के लिए और एक लंबे टाइम के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं BHEL के ऊपर। BHEL को मैंने कितनी बार मैंने रिकमेंड कर रखा है इसको बाय करने के लिए, बाय करने के लिए लास्ट टाइम भी 64 पे दिया था, ठीक है। 68 पे भी, यहाँ पे भी अभी तक मार्क है, ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर कर रखा है और टेलीग्राम चैनल पे भी, और मेंबर्स को भी मैंने दे रखा है। इसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, और मैं इसके अंदर मतलब ऐसा मेरे को लगता है, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर जो अगला टारगेट मेरे को लग रहा है ना, वो मेरे को कम से कम यहाँ पे एक बार यहाँ रुक सकता है 92 के आसपास का। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो ना, मेरे को इसके अंदर टारगेट लगता है 105 से 110 का पहला टारगेट होगा, ठीक है। उसका जो अगला टारगेट होने वाला है वो 120 रुपए के आसपास का होगा, और उसके बाद होगा 131 और 148, 150 का। और बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना कि अगर ये यहाँ से 3x हो जाए, मतलब 82 से 3x नहीं होना, मैंने 68-64 पे दिया था, वहां से 3x मतलब 182-190 के आसपास ये डेफिनेटली जा सकता है। तो इसको अपने रडार पर रखिए। अब मैंने बताया था इसको कैसे बाय करना है, जैसे मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट पिक कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं, इसमें क्या है, टुकड़ों में बाय करना है। 50 या फिर 40% इसको आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आपको मिले ना 72 के आसपास, बाय कर लो। कुछ क्वांटिटी फिर यहाँ पे 62 पे बाय कर लो। 1-2-3 बाइंग हमारे यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो तीन बाइंग जो हमारी तीसरी बाइंग होगी ना, वो इस रेंज में होगी, इस रेंज में, ठीक है। मतलब 63 या फिर 58, इस रेंज में हमारी तीसरी बाइंग होने वाली है। इसके अंदर सबसे बेस्ट लेवल जो बाय करने वाला है वो ये वाला है 47। लेकिन जरूरी नहीं है कि शेयर यहाँ से आधा आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेयर ना आए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 50% यहाँ, लगभग 10-15% यहाँ, 10-15% यहाँ, 80% हो गया 15-15-50, 80% 20% पैसे जो आपके पास बचेंगे वो सारा पैसा यहाँ लगा दो इसके अंदर, ठीक है। अच्छी कंपनी है ये, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके अंदर डरने की उतनी कोई जरूरत है नहीं, और इसके अंदर टारगेट बहुत बड़ा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो गाइस ये थे सारे मेरे शेयर जो मेरे को लग रहे हैं अच्छे खासे मूव दे सकते हैं। तो इन तीनों शेयर्स का नाम आप लोग नोट कर सकते हो। टेक्सरेल करके पहला शेयर है जो कि मेरे को डबल लगता है, इक्विटास होल्डिंग है वो दूसरा शेयर है, ये भी मेरे को डबल लग रहा है, ठीक है, डबल के ट्रिपल भी हो सकता है। थर्ड शेयर है BHEL का, ठीक है। चौथा शेयर है जो कि 3x 4x भी हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसको आपको खुद जानना पड़ेगा। हमारे ऑफिशियल ट्विटर आईडी पे जाओ, उसके अंदर जो पहला मैसेज पिन करके रखा हुआ है ना, उसके अंदर पूरे लेवल शेयर किए हुए हैं कहां से कहां वो जा सकता है। तो ट्विटर आईडी पे चौथा बुल पिक उसके अंदर बहुत दिनों से मेंशन है। बुल पिक और इन्वेस्टमेंट पिक ये ध्यान रखना कि वो आपका एक महीने में भी एक टारगेट मिल सकता है, और उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म भी वेट करना पड़ेगा, जैसे 2-4 साल।
अगर शेयर का आपको 3x 4x करना है ना, उसके अंदर आपको पेशेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक मेंबर ने मुझे पूछा था इसके अंदर कि एक शेयर के बारे में, MMTC होल्डिंग एट 49, ठीक है। अब MMTC के बाद पास हम लोग आते हैं MMTC जो है, ओ भैया तो बहुत अच्छा है, जब MMTC, हाँ ये MMTC शायद मैंने शेयर किया था, ठीक है। MMTC MMTC ना शायद मैंने कैश ट्रेड में दे रखा होगा, मेरे पास पड़ा होगा। किसी न किसी ट्रेड में तो होगा, लेकिन ध्यान नहीं, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। फुल फोर्स हाइड करो, हाइड कर दिया। MMTC में अगर वीकली के चार्ट में हम लोग आएंगे ना, तो इसमें कुछ बाइंग आ रही है, तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास भी होल्ड है इसके अंदर ना। लेकिन यह है कि बल्क में पैसे नहीं इसके अंदर लगाने हैं। अब इसमें क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करके देखता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, इसके लिए बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 1, 2, 3, 4 बार ये टेस्ट कर चुका है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है अब इसका सपोर्ट है, लेकिन फाइनली हम इस वाले को भी मानेंगे कि ये सपोर्ट अच्छा खासा काम कर रहा है, और ये वाला एरिया इसके लिए अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 अब ये 5 बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो इसका हर्डल बनता है वो ये वाला एरिया बनेगा, मतलब ये आसपास 60 का, ठीक है। एक बार 60 को इसने यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो इसके अंदर जो टारगेट होंगे वो एटलीस्ट यहाँ तक हो सकते हैं, 120 के आसपास का, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर रोकने के लिए, 120, और उसके बाद जो इसका टारगेट होगा सीधा 290 का, ठीक है। तो सारे पैसे इसके अंदर नहीं लगाने हैं, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या न्यूज आई है जो ये अचानक ये 1300 का शेयर यहाँ पे 38 रुपए में मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा इसके अंदर गेम्बल खेल सकते हैं, लेकिन सारे पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आपके पास होल्डिंग है तो उसको होल्ड कीजिए, ठीक है। इसके अंदर मुझे लग रहा है एक बड़ा, अगर टारगेट इसको अगर ये ब्रेक करता है ना, लगभग 60 to 65 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो सीधा यहाँ से ये 120 जाएगा, मतलब यहाँ से 4x होने के इसके अंदर चांस बनते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने होप मैंने जो लेवल्स हैं आपके साथ शेयर किए हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। और चलिए, तो आपकी जो अब डाउट है आप लोग शेयर कर सकते, मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए बारी बारी आप जो आपके डाउट हैं वो आप पूछिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर महेश बात कर रहा हूँ। अभी जो आपने बताया वो तो सब क्रिस्टल क्लियर था, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप कमोडिटी में भी कॉल्स वगैरह देते हैं क्या, लाइक क्रूड ऑयल? नहीं देते हैं, क्योंकि पैसे यहीं से बहुत बन जाते हैं। अच्छा, या आपका कुछ प्लान है क्या वो कमोडिटी का कुछ चालू करने का? अभी कुछ नहीं है, अभी ना हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट ईयर में हम लोग अपना एक कोर्स लेके आने वाले हैं, और कोर्स का प्रमोशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नवंबर में, मतलब सॉरी दिसंबर से हम लोग कोर्स का प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे पेड मेंबरशिप में जो भी हमारे मेंबर हैं उनको कुछ हम लोग डिस्काउंट देंगे उसके अंदर, ग्रेट, ठीक है। और उनके लिए एक अलग से ग्रुप होगा जो लाइफ टाइम चलेगा पेड मेंबर्स के लिए, वो सॉरी जो कोर्स में जो मेंबर्स ज्वाइन होंगे उनके लिए एक अलग से ग्रुप हम लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे जो लाइफ टाइम चलेगा। और कुछ मेंबर हम लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो उनमें गाइड करेंगे अपनी स्टडी, वो लोग स्टूडेंट वहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ पे हम लोग अपनी कुछ स्टडी गाइड करेंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है, और जो भी गाइडलाइंस हैं उनके साथ शेयर की जाएगी, डे टू डे उनको अपडेट किया जाएगा। और एक ऐसा ग्रुप दिया जाएगा जो कि हम अपनी ट्रेड उसके अंदर शेयर करेंगे,
और वो अपने स्टडी भी उसके अंदर शेयर करेंगे। जब मैच होने लग जाएगा ना, दोनों की स्टडी एक साथ मैच होने लग जाएगी, फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग लेने में। तो हमारा प्लान है कि हम लोग दिसंबर से हम लोग कोर्स का प्रमोशन स्टार्ट करेंगे और लगभग जनवरी से हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ मेंबर है हमारे पास जो कि कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने क्या किया था, मतलब 2 महीने का सब्सक्रिप्शन था, वहां से उन्होंने अपडेट करके यहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लिया है, और मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सब चल रहा है। बाकी हमारा प्लान अभी कम्युनिटी में हम लोग करेंगे, मतलब अब कुछ बड़ा ही करने के हम लोग सोच रहे हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक अपना वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो उसके अंदर धीरे धीरे मतलब हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, और जो कुछ भी होगा सब आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और बस ऐसे ही चलेगा सब कुछ। और किसी की कोई क्वेरी? हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं देख रहा था सर लॉन्ग टर्म के लिए HCC। HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये भी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना रहा है, और शायद ये मैंने ना टेलीग्राम पे दिया होगा, क्योंकि अगर मार्किंग है तो मैंने पक्का दिया होगा। ये एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, HCC मैंने शेयर किया होगा। हाँ, ये मैंने HCC दिया हुआ है, ₹14.85 पे दिया हुआ था। इसका टारगेट लगभग 20 का टारगेट था, और ये लगभग लगभग 17-18-20 का था, लेकिन ये 18, दो टारगेट ये कंप्लीट कर चुका है। अगर लॉन्ग टर्म की अगर इसके अंदर बात करें ना, तो लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो मतलब इसने हाई लो इसने ब्रेक कर दिया था, अब क्या है एक रेंज था, ये वाला एरिया इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। एक इसके लिए ना हर्डल बन रहा है वाला, ये वाला एरिया, क्योंकि ये जो एरिया है हम लोग अगर यहाँ से देखें ना, तो ये वाला एरिया जो है ना इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर एक बार ये क्लोजिंग मिलता है ना, लगभग ₹20 के आसपास क्लोजिंग मिलता है, तब हमारा टारगेट सीधा यहाँ पे हो सकता है लगभग 28 के आसपास। तो 28 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा 28-29, अगला टारगेट आपका 37 का होगा। और अगर एक बार इस वाले हडल को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, मतलब ये वाला एक हडल बहुत अच्छा खासा इसके लिए है, तो अगर ये वाला ब्रेक करता है तो आपका जो टारगेट सीधा शिफ्ट हो जाएगा इस वाले रेंज पे 60 के आसपास, मतलब यहाँ से लगभग 4x 5x होने को रेडी है ये। तो लेकिन इन शेयरों में ना कुछ क्वांटिटी में एड ऑन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, मुकाबले कुछ मेरे पास ऐसे मेंबर भी हैं जो लास्ट में इनका स्क्रीनशॉट आया था, तो उन्होंने कोई शेयर बाय कर रखा था 31,000 क्वांटिटी। तो अगर उन्होंने अच्छे शेयर में बाय कर रखा था फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस टाइप के शेयर में अगर वो बाय करते हैं ना, तो उनका रिस्क उन्हें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बाय करना चाहिए। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है, अगर कुछ क्वांटिटी में अगर इसको एड ऑन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर एक बार अगर ये 20 के ऊपर निकला ना, तो अपना टारगेट सीधा 29-30 हो जाएगा, उसके बाद टारगेट 37 और उसके बाद 60 के लिए रेडी रहेगा। और जो आप पोस्ट लॉन्च कर रहे हो उसके अंदर आप सिखाओगे कि कैसे देखते हैं, कैसे करना है? सब कुछ सिखाएंगे उसके अंदर। तो कोर्स, अगर कोर्स लॉन्च करेंगे उसके अंदर अगर हम ये नहीं सिखाएंगे तो क्या क्या सिखाएंगे उसके अंदर? अभी तो कॉल्स आती है, सब कुछ जो हम देखते हैं वो आपको देखना सिखाएंगे हम। मतलब जो हम एक ट्रेड लेने के टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये लेवल देखना चाहिए, मार्केट को ऐसे देखना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पे ज्यादा सेफर साइड होगा ट्रेड लेना, वो सारे लेवल्स आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कॉल कैसे ढूंढनी चाहिए, कब कहाँ बाइंग करनी है, वो सारे हम लोग शेयर करेंगे उसके अंदर आपके साथ। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो आप डिस्कशन करते हो, तो सर
अब ये हर संडे होगा या फिर आज आज का ही था, क्या था ये? आप ये प्राइम मेंबरशिप बोल रहे हैं या फिर? प्राइम मेंबरशिप। तो आप हर एक संडे चाहते हैं आप लोग? यस सर, हाँ डेफिनेटली सर, क्योंकि हर एक अच्छा संडे। लगता है सर, हमारे साथ सारा डिस्कस करते हैं तो हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। अच्छा, ये हर संडे हुआ तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत हेल्पफुल होगा सर। तो अभी तो ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अगर वीकली नहीं होगा तो 15 दिन में हम लोग जरूर हम लोग कर सकते हैं डिस्कस, या और इन मंथ बाकी हम टू लोग टाइम्स प्लान इज ओके करेंगे कि सर, अगर पर बाकी वीक हम लोग मैं आगे इसलिए प्लान। बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं पर वीक इसलिए बोल रहा था कि सर, जैसे हम कुछ आपकी कॉल्स को होल्ड करते हैं तो हम आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर पाए, हम उनके चार्ट देख पाए। ठीक है सर, वो सब हाँ है तो सर, और कुछ इस पे ऐसा हम नहीं लोग है। काम करेंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग वीकली आए, लेकिन अगर अभी पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग 15 दिन में एक एक सेशन रख सकते हैं, और आगे हम लोग बहुत जल्दी मतलब ट्राई करेंगे कि वो सेशन मतलब वीकली कन्वर्ट हो जाए। अगर वो हाँ सर, जैसे 1 और 2 और के लिए हो तो सर सबके लिए बेस्ट है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कई सारे हमारे पास मेंबर हैं, वो हमारे ट्रेड को तो लेते नहीं है, लेकिन वो खुद की कॉल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कितनी भी कॉल दी अभी कुछ दिनों के अंदर, मतलब बस आप लोगों की वजह से जो भी कॉल हमने दिया है वो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला है उसके अंदर, चाहे वो हमने टेलीग्राम में दिया है या फिर वो पेड में दिया है, तो सारे अच्छे खासे मूव दिए हैं। लेकिन उसके अंदर भी कई सारे मेंबर हैं उनको पैसे नहीं बने हैं, क्योंकि वो ना अपना अलग से ही कॉल जनरेट कर लेते हैं, उनमें फिर उनका उनका लॉस होता है, और उसके बाद फिर वो मैसेज करते हैं कि मैंने इसमें फंस गया हूँ, अब बताइए। तो हम लोग, मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, मैं कोई जी बिजनेस नहीं देखता। ठीक है, मैंने इन्फोसिस की कॉल आपको 3 दिन पहले दिया था, ठीक है, और 3 दिन बाद वो इन्फोसिस की कॉल जी बिजनेस पे हाईलाइट हो रही थी, जी सर, अगर कोई न्यूज़ बिल्कुल देख। एग्जैक्टली ठीक है, मैं कोई जी बिजनेस नहीं देखता, मैं कोई न्यूज फॉलो नहीं करता। जब आप लोग ये ट्रेड लेना सीख जाओगे ना, तो ये चार्ट ही आपके लिए न्यूज होगा, चार्ट ही आपको सब कुछ बता देगा इसके अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मतलब 75% to 85% चार्ट हमें सब कुछ बता देता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट कितना गंदा आने वाला है, या इसके अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान होगा हमने कुछ दिनों पहले एक लुपिन का ना जीरो टू हीरो कॉल दिया था 2 रुपए का, ठीक है, वो चला गया था 10 रुपए, उसका रिजल्ट आने वाला था अगले दिन, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि रिजल्ट उसका ठीक आएगा क्योंकि बहुत अच्छे खासे लेवल से चल रहा था वो। तो जीरो टू हीरो ट्रेड देने का एक ये भी होता है कि क्या होता है, बंदे ना कई सारे चैनल्स जीरो टू हीरो देते हैं 5,000 का, 7,000 रुपए का, मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि जीरो टू हीरो ट्रेड में क्या होता है, जिसके पास कैपिटल कम है अगर वो भी ले लेगा ना, अगर वो सच में जीरो हो गया तो उसकी कैपिटल ही जीरो हो जाएगी। आपको आपको भी ध्यान होगा, पर एक मैंने वो ट्रेंड का मैंने एक ट्रेंड का एक ये जीरो टू हीरो दिया था एक रुपए का, चीज़ ₹1.65 का दिया था मैंने, तो आपको हाइड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो 1 रुपया मैंने ये ट्रेंड का मैंने एक कॉल दिया था 1 रुपये या फिर 1 रुपये 65 पैसे का, वो हमारा 2 रुपये कुछ पैसे गया था, फिर वहां से 2 रुपये 20 के आसपास गया था, वहां से नीचे आ गया। लेकिन एक वही ट्रेड मेरे को दिख रहा था, वो थोड़ा ऊपर था, वो था लगभग 3 रुपये 85 पैसे के आसपास का, लेकिन उसके अंदर क्या है, लगभग 2,500 हमारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि 2,500 अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन वही कॉल जब मैंने बाद में देखा तो वो कॉल लगभग चली गई थी 10 रुपये 11 रुपये के आसपास का। तो ये होता है, और बाकी हम लोग कोई न्यूज नहीं देखते, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग अगर जो ट्रेड खुद से लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि पैसा रहेगा ना तो बहुत पैसे बनने वाले हैं, और अगर ज्यादा पैसा आया तो प्लीज ऑप्शन सेलिंग में आइए, और
अपने अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट सेट कीजिए ऑप्शन सेलिंग में, स्टार्टिंग के मंथ से लेके मिड तक आप अपने अकॉर्डिंग 1000-2000 बुक कीजिए, और बाकी जो बाद में होगा ना वो अपना सही से बुक करेंगे। और ये ध्यान रहे आपको कि कोई भी शेयर को ना मतलब अभी सर खाना खा लिया आपने, अभी नहीं खाया, खाने जा रहा हूँ। हाँ तो क्या नाम है, हाँ बस अभी जा रहा हूँ सर, तो क्या नाम है उसका, हाँ तो जो भी मतलब कोई भी आप शेयर अगर आप होल्ड कर रहे हैं ना, तो प्लीज उसको आप मेंबर से मैसेज कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही उसको होल्ड कीजिए। अगर ओवरनाइट होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आजकल कभी मार्केट गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है, अगर आपको सेम डे प्रॉफिट दिख रहा है तो प्लीज प्रॉफिट को बुक कीजिए, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन है। तो क्या हम सेशन को यहाँ पे अब एंड कर सकते हैं, या फिर कोई और भी आपकी कोई क्वेरी है आपकी? एंड कर सकते हैं सर। तो एंड कर सकते हैं हम लोग अब? जी बिल्कुल सर। तो इसको हम लोग ना यहाँ पे थैंक यू सो मच सर, वेलकम। अच्छा लगा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और जो हमने 3 इन शेयर्स के बारे में बताए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अभी। तो आपके लिए अब यही सारे रूल रहेंगे, ये इसमें कुछ नया ऐड ऑन होगा तो आपको मेंबरशिप में दे दिया जाएगा, तो इन्हीं रूल को आपको फॉलो करना है। और ये इसी रूल को मैं बार बार टेलीग्राम चैनल पे मैं बार बार पिन कर दिया करूंगा, और रिकॉर्डिंग आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो इसके लेवल्स है मैं आपके साथ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज इनको अपने रडार पर रखिए। इक्विटास होल्डिंग BHEL लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 2x 3x होने वाला है, और ये भी टैक्स रेल भी 2x हो सकता है। इक्विटास होल्डिंग तो बहुत अच्छा खासा मुझे लग रहा है, टारगेट मिलने वाला है इसके अंदर, तो इसको अपने रडार पर रखिए। चलिए हम यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ट्रस्टिंग ऑन स्टॉक गुरुकुल। सो नाउ वी कैन एंड दिस सेशन। गुड नाइट। Good night, sir. Thank you so much. Welcome. Good night, sir. Welcome. Good night.